आपकी राशि सर? आज संविधान दिवस है, क्योंकि हमने 26 तारीख और 7 तारीख दो दिन संविधान विशेष के लिए रखी है। और संविधान विशेष के लिए इसलिए रखी है क्योंकि बहुत ज्यादा शोर मच रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। या यूं कहें कि आजकल जो मार्केट में दुकानें हैं उन पे आजकल जो सामान बिक रहा है वो संविधान का है। अभी आरक्षण वाला माल पुराना हो गया, अभी आरक्षण पे लोग नहीं बोल रहे हैं कि आरक्षण खतरे में है। शायद हो सकता है कि आरक्षण खतरे से बाहर निकल गया हो, वो काम पूरा हो गया हो तो नया आ गया मार्केट में माल, कि अब संविधान खतरे में है। और आजकल इसकी खूब मार्केटिंग चल रही है और संविधान लिटरली बिक भी खूब रहा है। लोगों ने खूब छापे, खूब बट रहे हैं, जो संविधान को बचाना है तो छाप छाप के बचाना है, ऐसा वो मानते हैं। तो संविधान को अगर बचाना चाहते हो तो एक रास्ता तो कई बार बताया है कि आपको इकट्ठे होना है। इकट्ठे हो जाएंगे तो रास्ता आसान है, बच जाएगा। मगर एक उससे भी आसान रास्ता है, अगर संविधान को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं तो वो बहुत ही सरल है। आप उसको कह सकते हैं कि उसका नाम हम रख सकते हैं अंबेडकर सत्थक दंड। सत्थक दंड जो होता है वो बुद्ध ने 11 प्रकार के सत्थक दंड दिए थे भिक्कुओं के लिए। कहते हैं भिक्कू कोई हथियार नहीं रखता, भिक्कू करुणा मुदिता भाईचारे में रहता, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने 11 सत्थक माने होता है छुरी छुरा, और दंड माने होता है डंडा, यानी ऐसा डंडा जिसके अंदर छुरी और छुरा है, 11 प्रकार के अलाउ किए थे बुद्ध ने। ये विनय पीटक में लिखे हुए हैं, मैं कहीं से वैसे नहीं बोल रहा। और विनय पीटक वो है जो पाली भाषा से संस्कृत करके लेके आया, वही विनय पीटक जो नियम में दिया हुआ है। और उसी सत्थक दंड को आज तक भी बहुत सारे लोग अपने साथ लेके घूमते हैं, जबकि भिक्कुओं ने उसको छोड़ दिया। तो अब हम एक अंबेडकर सत्थक दंड बना लेते हैं, इसको से ये कह सकते हैं कि ये ऐसा मारक हथियार है कि इससे हम संविधान को मजबूत कर सकते हैं। और इससे आपको इकट्ठा भी नहीं होना पड़ेगा, आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है और किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप इकट्ठे हो जाओ। और कमाल की बात यह है कि लोग आपसे कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है, हमें संविधान बचाना है, तो आप पैसा दो, ये पर्ची लो, हमको सम्मेलन करना है, हमको ऐसा करना है, हमको वैसा करना है, हमको पैसा दो, हमको पैसा दो, हमको पैसा दो, संविधान बचाना है। मगर जैसे जैसे आप पैसे देते गए वैसे वैसे संविधान और खराब होता गया। तो संविधान बचेगा जब आप पैसा देना बंद कर दोगे। तो पैसा देना अगर आप बंद कर दोगे तो संविधान बच जाएगा, ये गारंटी है इस बात की। ये वी द पीपल कहता है कि अगर आपने पैसा देना बंद कर दिया तो संविधान बच जाएगा और पहले से मजबूत हो जाएगा। ये ठीक वो पैटर्न है जब आप ये कहते हो कि हम किसी धर्म स्थल पे जो पैसा देते हैं, जो आडंबर का धर्म स्थल है, और वो हमारे पैसे से ही उस आडंबर का और ज्यादा प्रचार करता है, और फिर हमारे ही बच्चों को वो आडंबर पकड़ा देता है, फिर हमारे बच्चे उसको और पैसा देते हैं, फिर वो और आडंबर का प्रचार करता है, फिर हमारे बच्चे के बच्चे और पैसा देते हैं। इस प्रकार हमारी पीढ़ी की पीढ़ी पैसा देती चली आ रही है और हम आडंबर पे आडंबर में धंसते जा रहे हैं। तो ये चक्र है चलता। तो कहते हैं हमारे लोग कि भाई इस आडंबर के स्थल वाले जगह पे आप पैसा देना बंद कर दो तो आडंबर आना बंद हो जाएगा, तो ऐसा प्रचार करते हैं। मगर वो अपने लिए कभी प्रचार नहीं करते कि तुम हमें पैसा देना बंद कर दो तो संविधान बच जाएगा, तुम हमें पैसा देना बंद कर दो तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम हमें पैसा देना बंद कर दो तो ये देश में जो हमारी स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब वो हमसे पैसा लेते हैं और जब पैसा मांगते हैं तो बेसिकली जो पैसा ले रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? क्योंकि जितने भी ग्रुप हैं या जितने भी लोग अपने आप को संस्था कहते हैं या जितने भी संगठन कहते हैं, वो सब इसलिए जीवित हैं क्योंकि उनको ये उम्मीद रहती है और उनकी उम्मीद पूरी होती है कि जब भी 14 अप्रैल आएगा, जब भी 6 दिसंबर आएगा, जब भी ज्योतिबा फुले का जन्मदिन आएगा, तब भी संविधान का डे आएगा, जब भी कोई वो हमें खतरा बताएंगे, लोग उनको पैसा दे देते हैं और ये सोच के देते हैं कि ये हमारा फायदा करेंगे और ये पैसा हमारा फायदा करेंगे। मगर हो उसका उल्टा रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है? क्योंकि जब आप पैसा देने जाते हो तो आपके पास बहुत तरह के लोग आते हैं, सामाजिक संगठनों के बहुत सारे लोग आते हैं, वो बार बार अपनी पर्चियां लेके आते हैं, बार बार अपने कूपन लेके आते हैं। तो धार्मिक लोग भी बहुत तरह के आते हैं, अलग अलग तरह से आते हैं। तो जो पत्र पत्रिका वाले हैं, जो न्यूज़पेपर चलाने वाले हैं, वो भी बहुत आते हैं कि हमको पैसा दे दो।
और जो किताबें छापते हैं वो भी बहुत आते हैं कि आपका फोटो छापेंगे, नाप छापेंगे, पैसा दे दो। तो जो लड़कों के दलबल हैं उन्होंने भी आजकल ये काम किया है कि हम ऐसे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमको पैसा दे दो। तो जो सरकारी जो कर्मचारी हैं वो भी कहते हैं कि हमको पैसा दे दो। एक विदा पीपल को छोड़ के सब पैसा मांगते हैं, यानी विदा पीपल ये कहता है कि अगर हमारा कोई आदमी आपसे पैसा मांगे या इसका कोई सक्रिय कार्यकर्ता पैसा मांगे या संघ का कोई आदमी पैसे का जिक्र भी करे तो उसके गाल पर देना खींच के दो और उसकी एफआईआर करा देना, क्योंकि संघ डिक्लेयर करता है विद द पीपल कि हम पैसा पब्लिक से नहीं लेते, हमारे इतने खर्चे नहीं है। तो पैसा दे के आप अपने संविधान को अपने डॉक्टर अंबेडकर के साथ कैसे विश्वासघात कर रहे हो और कैसे मारते हो आप, क्योंकि जब एक ही काम के लिए 100 संस्थाएं बनी होती हैं और वो 100 बार पैसा लेने आती हैं तो इसका मतलब एक ही काम को करने के 100 लोग हैं तो काम कैसे होगा, तो काम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि हम पैसा दे देकर उनको मजबूत करते हैं और हम उनसे कहते हैं कि हमें तुम्हारे लाखों संगठन स्वीकार रहे हैं, ये लो पैसा, ये लो पैसा, ये लो पैसा, और हम सबको पैसा देते चले जाते हैं और वो अगली बार फिर आ जाते हैं, फिर अगली बार आ जाते हैं, और हम कभी उनसे नहीं कहते कि भाई एक ही काम के लिए तुम अलग अलग पैसा लेने क्यों आते हो। ये पैसे का जो सिस्टम है सेंट्रलाइज होना चाहिए, पैसा तो हमको देना चाहिए मगर सेंट्रलाइज सिस्टम में देना चाहिए। सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है भारत के अंदर, वो गुरुद्वारों का प्रबंधन करती है, तो उनके लगातार सालों साल गुरुद्वारे बनते रहते हैं, वो जमीन खरीदते हैं गुरुद्वारे बन जाते हैं, जमीन उनके जो कारीगर हैं उनके फिक्स हैं और उनका पैसा एक जगह आता है और वो सारा पैसा एक साथ जमा होता है और वो पैसा कर्मचारियों को जमीन खरीदने में, बिहार बनाने में, उनके बहुत सारे स्कूल हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें बनाने में, उनकी चैरिटेबल संस्थाएं उसे बनाने में लगातार चलता रहता है, क्योंकि पैसा एक जगह आता है तो वो लोग एक जगह रहते हैं, तो उनका चुनाव भी होता है, यानी उनका चुनाव दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट कराती है, पंजाब के अंदर गवर्नमेंट कराती है, बाकायदा इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट का उनका चुनाव कराता है, इतनी बड़ी वो संस्था है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, उनका सेंट्रलाइज पैसा है। ऐसा ही सेंट्रलाइज सिस्टम क्रिश्चियंस का है, उनके जो गिरजाघर है वो बनते रहते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स के और उनके जो छात्रों के, महिलाओं के जो उनके सेंटर हैं वो बनते रहते हैं, वहां काम चलता रहता है, उनकी मैच चलती रहती है, उनके स्कूल चलते रहते हैं, उनके कॉलेज चलते रहते हैं और उनके स्कूल कॉलेज खुलते भी रहते हैं लगातार, जबकि वो संख्या में बहुत कम है, तो उनका सेंट्रलाइज पैसा आता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम ये कहते हैं हम बड़े सीधे और सच्चे और बड़े बहुत बढ़िया आदमी, हम किसी की बुराई लेना पसंद नहीं करते, तो हमारे पास जो आता है कहता है कोई बात नहीं तू भी ले जा, कोई बात नहीं तू भी ले जा, हमें किसी का बुरा नहीं बनना, जितने लोग आए सब ले जाओ भाई पैसे, देखो काम सही करते रहना। ये ठीक ऐसी स्थिति है जैसे आप अपने घर के 5 जो लोग हैं, 5ों को चुनाव में भेज दिया आपने, एक ही जिले से खड़े हैं और 5ों को कह रहे हैं कि तू भी पैसा ले जा, तू भी पैसा ले जा, तू भी पैसा ले जा, और उनको ये भी कहते हैं कि सोमवार को तेरे साथ खड़ा होऊंगा, मंगल को तेरे यहाँ आऊंगा, बुधवार को तेरे यहाँ आऊंगा, वीरवार को तेरे यहाँ आऊंगा, तू चिंता मत करो, लड़ो आपस में और मैं तुम्हारे साथ ही, ले जाओ पैसे। हम अपने ही भाइयों को पैसे देकर जंग के मैदान में उतारते हैं और फिर रोते हैं हमारा कुछ नहीं होता, हमारी कोई सत्ता नहीं, हमारा कोई पार्टी नहीं, हमारे धम के लोग बड़े निकम्मे हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी कुछ नहीं करते, हमारे सारे प्राइवेट चीजें चली गई हैं, हमारे जो बाबा साहब के संगठन है वो हजारों हैं, वो सब चल रहे हैं, ये निकम्मे लोग हैं, ये काम नहीं करते, ये सारे इकट्ठे हो जाते तो हम बच जाते, ये सारे इकट्ठे हो जाते तो हमारा नुकसान नहीं होता, फिर हम रोते हैं। हम कितने सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो पत्र पत्रिकाएं चलाते हैं, हजारों पत्र पत्रिकाएं चलती हैं और कहाँ चलती हैं, कोई 200 छपती हैं, कोई 500 छपती हैं, अखबार 200 छपते हैं, 500 छपते हैं और वो वहीं तक रह जाते हैं, किसी के पास जाते भी नहीं वो, और वो पैसे लेने आ जाते हैं कि इसकी मेंबरशिप ले लो, इसका चंदा ले लो, इसका ये ले लो, और अगर आप पैसे ना दोगे तो वो क्या कहते हैं, देखो ये आपका फोटो छापेंगे हम इसमें, आप हमें 500 रुपये दे दो, शुभकामना का, मंगल कामनाओं का आपको फोटो, ये चलन चलता है और फोटो छपवाने के लालच में 100 200 500 रुपये दे के तो उनको लगता है कि हमारी किताब तो चल रही है, जबकि उस किताब की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो 100 200 लोगों में और उसमें कोई होता नहीं। तो ये जो किताब वाले भी जो बुद्धिजीवी हैं, जो लेखक अपने आप कहते हैं, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ये बुद्धिजीवी भी बुद्धिहीन लोग हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि अरे अगर सारे इकट्ठे हो जाते तुम बुद्धिजीवी तो तुम्हें देख के बाकी लोग इकट्ठे हो जाते, तुम तो बुद्धिजीवी थे, तुम्हारे अंदर तो अहम और ईगो नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तो इस बात की समझ होनी चाहिए थी कि अगर 500 लोग जो लेखक हैं या 500 लोग जो पत्रकार हैं अगर वो एक साथ फेडरेशन बना लेते तो एक पत्रिका अगर निकलती और वो बहुत अच्छी क्वालिटी की निकलती, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट होता तो पूरी दुनिया में लाखों जाती, तो तुम लाखों कमाते और अरबों का बिजनेस करते और वहां उस पब्लिकेशन हाउस की इज्जत होती और वो टक्कर देता पूरी दुनिया को,
मगर एक छोटा सा कहीं से कोई कोर्स करके आता है और ना भी करके आया, और वो अपना अखबार चला के बस पूरे दिन ये ढूंढता रहता है कि किसके पास जाऊं फोन करके, किसके पास नहीं। यही हालत हमारे जो आजकल लड़के जो यूट्यूब चलाते हैं उनकी है। वो खबर उसकी चलाते हैं जो उनको 500 700 1000 रुपये देता है। आप उनकी खबरें देखोगे तो आपको ध्यान आएगा कि एक ही आदमी की खबरें एक चैनल वाला निकालता है और उसको प्रोजेक्ट करता है। तो जो मीडिया हमारा है और जो मेन मीडिया है उसमें कोई अंतर नहीं है। उसको भी अभी मिशन की पहचान नहीं है, क्योंकि अगर 100 लोगों को वो बढ़ाएगा और झूठों को बढ़ाएगा और सच्चों को बढ़ाएगा, सबको बढ़ाएगा, तो फिर तो ये जो संगठन वाली समस्या है ये कभी खत्म नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी एकता के लिए, अपने दुखों को दूर दूर करने के लिए। और जैसे जैसे हम उनको पैसा देते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो संगठन हजारों की संख्या से लाखों हो गए, और लाखों से कई लाख हो गए, और 30 लाख पहुंच गए, और वो आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि उनको पैसे मिलते जाते हैं। तो वो अपनी दुकान क्यों बंद करेंगे? वो बेवकूफ हैं क्या? जब माल बिक रहा है और हम जा रहे हैं ग्राहक बन के और हम कह रहे हैं लाओ पर्ची दे दो और पैसा हम तुम्हें देंगे, तो उनकी दुकानें बंद नहीं होंगी, वो क्यों बंद करेंगे? वो जो हजारों अखबार चल रहे हैं, लाखों अखबार चल रहे हैं, वो क्यों बंद होंगे? जो पत्रिकाएं चल रही हैं लाखों हजारों, वो क्यों बंद होंगी? जो सामाजिक संगठन चल रहे हैं हजारों लाखों, वो क्यों बंद होंगी? दुकान जब बंद होती है, जब ग्राहक जाना बंद हो जाए, तो ग्राहक तो हम हैं। तो बेसिकली हमको ये समझना है कि अगर हमको जीवित रहना है और इनको भी जीवित रखना है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे लोग हैं ये पनप नहीं सकते। अगर ये मीडिया हाउस बड़ा हो जाता, अगर ये नेता सारे इकट्ठे हो जाएं, अगर ये सामाजिक संगठन सारे इकट्ठे हो जाएं, तो हम जीतेंगे, तो ये भी बचेंगे। तो हमको थोड़े दिन के लिए इनको पैसा देना बंद कर देना चाहिए, इन पर करुणा ममता करनी बंद कर देनी चाहिए, और इनको कहना चाहिए कि भाई पैसा तुम्हारा रखा हुआ है। बाबा साहब ने कहा 20वां हिस्सा देना है, हम 20 की जगह आपको 15वां हिस्सा देंगे, पैसा तुम्हारा रखा हुआ है, देखो ये रखा हुआ है, मगर पहले इकट्ठे हो जाओ, पहले सेंट्रलाइज सिस्टम में आओ, एक सिस्टम बनाओ, हम एक जगह ही पैसा देंगे, वहां से एक सिस्टम चलेगा, वही सिस्टम किताब छापेगा, वही सिस्टम सारा सारा पब्लिकेशन करेगा, वही सिस्टम बुद्ध विहार बनाएगा, वही अंबेडकर भवन बनाएगा, वही कबीर भवन बनाएगा, वही गुरु रविदास भवन बनाएगा, वही सारे संतों के भवन बनाएगा, वही कार्यक्रम लगाएगा। और एक ही कार्यक्रम लगेगा, अगर 14 अप्रैल का होगा, 14 अप्रैल पे 5000 कार्यक्रम नहीं लगेंगे एक शहर में। और जो ये अधिवेशन होते हैं अलग 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 सामाजिक संगठनों के, ये 100 अधिवेशन नहीं कराने हमने। 100 जगह खाना बनता है, 100 जगह टेंट आता है, 100 जगह हलवाई आता है, 100 जगह माइक आता है, 100 जगह फोटोग्राफर आता है, 100 जगह कुर्सी बिस्ती है, 100 जगह लोग आते हैं, तो 100 गुना खर्चा बचता है और रिजल्ट आता है 1/100। जबकि अगर 100 के 100 इकट्ठे हो जाए तो इनका पैसा भी बचेगा, वो पैसा समाज का है, लोग भी बचेंगे और रिजल्ट आएगा 1000 गुना कम से कम। तो हमको रिजल्ट चाहिए, तो हमको सोचना है, वो नहीं सोचेंगे तो क्या सोचना है? बड़ा सरल काम है, अब तो और भी सरल काम हो गया। अगर अपने बच्चों को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने फ्यूचर को बचाना है, तो कुछ दिनों के लिए असहयोग आंदोलन कर देना चाहिए, इनको पैसा नहीं देना चाहिए, इनको दिखाते रहना चाहिए कि तुम्हारा पैसा है हमारे पास, बस इकट्ठे होकर आ जाओ। इनमें जो निकम्मे लोग हैं, क्योंकि ये काम वाम तो करते नहीं, सब इसी के ऊपर है। हमारे तो नेता काम नहीं करते, उनका तो एक ही काम है कि हम नेताजी करते हैं, यही हमारा काम है, यही हमारा रोजगार है। आप चंदा दो हमारा घर चलेगा, आप चंदा दो हमारी कार में पेट्रोल चलेगा, आप चंदा दो हमारे झंडे आएंगे, आप चंदा दो हमारा जहाज का टिकट आएगा। तो जो उसमें निकम्मे लोग होंगे, जो बेकार के लोग होंगे, जो दलाल टाइप के होंगे, वो मर जाएंगे या भाग जाएंगे या कुछ काम करेंगे। जो सच्चे हैं वो बचेंगे, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तो फिर आपने उनको पैसा नहीं देना है कि भाई इकट्ठे होके आओ। सारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग नहीं चलेंगी, पहले इकट्ठे होके आओ। सारे धर्म के लोग, सारे कबीरपंथी, सारे रविदास के, सभी जितने भी संतों के लोग हैं, भाई इकट्ठे होके आओ। जितने भी लड़के हैं दल बल के, भाई सब इकट्ठे होके आओ। जितने भी किताब मैगजीन छापने वाले हैं, कह रहे भाई सब इकट्ठे होके आओ, जितने लेखक हो, किताबों के पैसे तब देंगे, तो अखबार भी चल जाएगा फिर आपका, अंग्रेजी का भी, उड़िया का भी, तमिल का भी, तेलुगु का, सारे अखबार चल जाएंगे, क्योंकि एक ही तो चलेगा। तो फिर इनको कहो कि भाई सारे के सारे जितने भी धर्म के लोग हैं सब इकट्ठे होके आओ। तो उनको कहो कि भाई जितने भी ये जो हमारे मीडिया के पत्रकार लोग हैं, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, भाई सब इकट्ठे होके आओ। तो जब तक हम उनकी ये जो इच्छा है, जो उनको बार बार पैसा मिलता रहता है, अगर ये हम रोकेंगे नहीं और उनको देते रहेंगे ये सोच के कि हमने तो बाबा साहब का नमक खाया है और बाबा साहब का पे बैक टू सोसाइटी करना है और बाबा साहब का ऋण चुकाना है, हमें तो जो पैसा है तो देना है, तो पे बैक टू सोसाइटी भी 5-6 लोग हैं, यानी 5-6 संस्था तो मैंने देखी हुई हैं जो पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर काम कर रही हैं। अरे भाई तुम में इतनी अकल नहीं है, तुम पे बैक टू सोसाइटी में भी 5-6 चला रखी है तुमने। अरे पे बैक टू सोसाइटी में तो एक चला लो कम से कम। और धमके जब बुद्ध एक है तो धम का एक चला लो, जब बाबा साहब एक है तो सामाजिक एक चला लो, तो ये तो चलाए ना।
इकट्ठे होने में हो सकता है टाइम लगे, मगर ये जो डॉक्टर अंबेडकर का जो सत्तक दंड है कि आप पैसा मत दो, ये इतना कारगर है कि आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। जो यहाँ 139 लोग सुन रहे हैं, वो सिर्फ अपने अपने रिश्तेदारों को सबको फोन करके कहते हैं कि भाई वी द पीपल ने अनाउंस कर दिया है, मैंने इसका एक वीडियो भी निकाल दिया है कि भाई पैसे नहीं देने हैं और हम पैसे देने को मना नहीं कर रहे हैं, पैसे रखे हुए हैं और जितने बाबा साहब ने कहे उससे ज्यादा देंगे, उन्होंने 5% के लिए कहा है हम 10% देंगे और ये रखे पैसे तुम्हारे अकाउंट में, मगर देंगे तब जब सेंट्रलाइज सिस्टम होगा और एक साथ आओगे, अब अलग अलग पैसे नहीं देंगे, 6 महीने मत दो बस पैसे इनको, 6 महीने में ये चारों खाने चित हो जाएंगे, 6 महीने में ये एक हो जाएंगे, अगर 6 महीने पैसे नहीं दिए तो 6 महीने में इनको पता चल जाएगा कि अब हमें लोग पैसे नहीं देते और ये कमाते नहीं है, और कोई बाहर वाला भी कोई देगा तो कितना पैसा दे देगा और कितने लोगों को दे देगा, मान लो अगर हमारा कोई दुश्मन है और इनको फंडिंग भी करना चाहेगा तो कितनों को देगा, तो इनमें आपस में जूतम पैजार हो जाएगी, इनमें आपस में ही गुत्थम गुत्था हो जाएगी, आपस में ही लड़ेंगे, तो ये फिर हम इनसे भी पूछ लेंगे जब हम तुम्हें पैसा नहीं देता तो ये पैसा कहाँ से आता है तुम्हारे पास में, कि तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से भर रहा है जब हम पैसा नहीं देते। ये फार्मूला फेल नहीं होने वाला है, इस फार्मूले को बहुत तेजी से जितनी तेजी से आगे बढ़ा सकें, इससे कई फायदे होंगे। देखो एक तो ये फायदा होगा कि आपका पैसा बचेगा, दूसरा फायदा ये होगा कि आपका देश, आपका संविधान, आपके बाबा साहब, आपके अंबेडकर, आपके बुद्ध, आपके सबकी आइडियोलॉजी बच जाएगी, और उससे ये भी फायदा होगा कि हमारे लोग सीधे सच्चे हो जाएंगे, फिर उनको चंदे खाने की आदत से छुटकारा मिल जाएगा, तो वो सीधे सच्चे हो जाएंगे, उनकी बुराइयां भी निकल जाएंगी, तो भाई उन पर कल्याण करो, उनकी बुराइयां जो वो अब हम हमारे पैसे शराब पीते हैं, जो हमारे पैसे अय्याशी करते हैं, उस पाप से उनको मुक्त करो और ये पुण्य कमाओ, उनको पैसा मत दो, इससे बड़ा फायदा होगा, पुण्य मिलेगा आपको कि आपने उनकी शराब पीने के रास्ते बंद कर दिए, उनके पाप के रास्ते बंद कर दिए और हमारा कल्याण हो जाएगा। यकीन मानो ये डॉक्टर अंबेडकर का सत्तक दंड है और ये काम करेगा, इस पर काम करना है, जुड़ने जुड़ने के अलावा इस पर भी काम करना है, तो आज से हमें जिद्द है जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, और जो जो जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे, और जब इनकी रसद पानी बंद कर देंगे तो ये जुड़ेंगे, जब हम इनका पैसा बंद कर देंगे तो ये जुड़ेंगे, और जब ये जुड़ेंगे और हम जुड़ेंगे तो हम जीतेंगे, और फिर जीत हमारी पक्की है, तो डबल स्पीड हमारी हो जाएगी, इधर हमें जोड़ने का काम करना है और उधर हमें इनको पाप से मुक्त करना है, ताकि ये पापी ना बन जाए हमारा पैसा ले लेके, तो इनको पाप से मुक्त करो, इनको पैसा मत दो, इनकी रसद मत दो, सब ठीक हो जाएगा, संविधान बच जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सुधीर सर। आप एक अपना सिस्टम बंद करो, एंकरिंग इको कर रहा है। चलो 2-3 मिनट कर लो फिर मैं आ रहा हूँ। चलो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। आ तो गए आप? नहीं आया नहीं। अरे बेकार बात कर रहे हो। राजेंद्र खड़से साहब, जय भीम, वेलकम। राजेंद्र खड़से साहब नासिक से। दो मिनट सर ले लो सर। हाँ बिल्कुल लो सर, 2 मिनट 3 मिनट ले लो, वो तो अभी मेरे ख्याल में कुछ खाना वाना खा रहे हैं शायद। मेरे साथियों को जय भीम भाई सर। सर आज मैं एक कार्यक्रम में गया था, वाल्मीकि समाज का स्पेशल कार्यक्रम था वैसे तो आज, अच्छा लेकिन आज उनको सीधा पीपल करके आए, नागलोई में 75 लोग आए थे सर, और उन्होंने बीदा पीपल की बहुत सराहना भी की, और मैंने उनको बताया कि अगली बार पराठा पॉइंट जो है आपके वहीं पे होगा, नागलोई में होगा। पूरा कंसेप्ट बताया मैंने और सब लोग घरे थे, बात बोले कि हमको मैं नहीं रहना है, तो हम रहना है। और वो क्या एक ओम प्रकाश जी एक काम और भी करना है, वो जो 17 तारीख को जो परिवार कल्याण होगा ना वहाँ पे बुद्धा जयंती पार्क में, उसके लिए अभी से ही आपने लिस्टिंग करके 10 फैमिली तैयार करनी है, 10 फैमिली। तो आज मैंने वो बात रखी सर, वहां की बात रखी थी मैंने, मैंने कहा नहीं, बात रखने का जो कार्य, बात रखने से बात नहीं बनेगी, बात तो ना मैं भी कई साल से रख रहा हूँ, उससे बात नहीं बनेगी। नहीं तो सर लोग आप भैया लिस्ट बनाओ, पक्का पक्का काम करना है। पीपल के कांसेप्ट को क्लास में सर ये बात बोली कि हम तो और हमारे तो उनका कर्जदार है, जाटो समाज के, उन्होंने विशेष करके यही बोला कि हम जाटो समाज का कर्जदार है, वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हमें उनका साथ देना चाहिए। एक सज्जन ने गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने ये बात बोली सर। जब मैं बताता हूँ बोले आज, अरे सुनो भैया सुनो प्रकाश जी, एक एक बाम सेफ के टूटे हुए हिस्से से एक माननीय वीर सिंह बहुत जी हैं,
वो भारत निर्माण संघ करके उन्होंने एक हिस्सा बनाया, बाम सेफ की तरह वो चलाते हैं, वो इस सेंटेंस को पूरी दिल्ली में बोलते हैं कि हमें बड़े भाई का ऋणी होना चाहिए कि उसने कम से कम संविधान बचाया लड़े। मगर एक दिक्कत यह है कि वो एक जाति का संगठन चलाते हैं जबकि बाबा साहब ने जाति का संगठन चलाने के लिए मना किया है। तो जब कोई जाति का संगठन चलता है तो वो वी द पीपल का काम नहीं कर सकता, क्योंकि वी द पीपल में तो भैया सारे पराठे एक साथ मिलेंगे यहाँ, तो एक साथ खाएंगे यहाँ, तो चाहे किसी के कच्चे हैं चाहे किसी के पक्के हैं। तो इसलिए वी द पीपल में अगर कोई जाति के नाम से आता है तो उसका स्वागत नहीं है यहाँ, तिरस्कार तो नहीं है उसका मगर स्वागत भी नहीं है उसका, वो आए सुने चला जाए। हम तो खूब गालियां पकते हैं पुरुषों के बारे में बताया, एक साथी और आए थे हरियाणा से, एक उन्होंने कैडर में बताया पूरी चीज बताया कि रामगढ़ बड़ा की वाल्मीकि बड़े, ये बताओ कंसेप्ट भैया। ये बहुत ये ओम प्रकाश जी, ये बहुत छोटी छोटी लोकल बातें जो झगड़ा पैदा करती हैं, कौन सा बड़ा, कौन सा दही का बड़ा, कौन सा सोंठ का बड़ा, कौन सा छोटा, ये कहीं किताब में थोड़ी लिखा हुआ है, किसी पूरी दुनिया की किसी किताब में लिखा हुआ है। आज से कम उन्होंने जय वाल्मीकि और जय भीम बोलना तो सीख गए सर, काम करना वाल्मीकि तो हमारा है ही नहीं, ये लोगों के दिमाग से क्यों नहीं निकलता वाल्मीकि, कहाँ से आ गया तुम्हारा? सत्यवान जी आप ना बेकार की बहस को फालतू में बढ़ाते जाते हो, जिन शब्दों पे हमें जाना नहीं है उन पे बहस भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसको वही सही है। फिर इसको सर प्रमोट क्यों कर रहे हैं फिर उसको? अरे बाबा वो खटीक नहीं है, खटीक नहीं है हमारा, वो बीजेपी के साथ है। आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों प्रमोट कर रहे हो? हम तो जाति का नाम नहीं लेते इस पोर्टल पे, आप क्यों जाति की बात कर रहे हो? जो हमारी वाल्मीकि समाज की बहन बेटी वो बलात्कार यहाँ पे घटना घटी, सभी लोगों ने हमारे समाज के लोगों ने गए तो उनका उस टाइम से उनको ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं आना चाहते, वो आना चाहते आएंगे, वो उनकी मजबूरी। दादी आप आना चाहते हैं अच्छी बात है, मगर जब आप यहाँ पोर्टल पे बात करें तो आप ये मत कहा करो कि वो जाटव समाज की, वो वाल्मीकि समाज की, वो खटीक समाज की, वो खाल समाज की, यहाँ पे ये क्या करो कि शेड्यूल कास्ट के एक वर्ग में वहां लोग मिले, ऐसे ऐसी भाषा इस्तेमाल करो, शेड्यूल कास्ट के कुछ लोग वहां मिले, शेड्यूल कास्ट के वो लोग मिले जो अंबेडकर को भी कम जानते हैं, शेड्यूल कास्ट के वो लोग मिले जो अंबेडकर को ज्यादा जानते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल क्या करो? अगर आप जाति का इस्तेमाल करोगे तो दूसरा आदमी भी अनजानी में जाति छेड़ देता है, तो फिर तो आप जातिवादी हो गए भैया, आप शेड्यूल कास्टवादी कहाँ हुए, आप कहाँ संविधानवादी हुए? अगर आप देखो जाति का नाम लोगे तो जाति बढ़ जाती है और उसको छोड़ दोगे तो वो खत्म हो जाती है। तो इसको भाषा को सीखोगे तो उनको सिखाओ कि भाई अब हम ऐसे बात करते हैं। और हाँ अभी देखो 62 लोग हो गए, आई थिंक सो ये सब चीजें बहस बंद करके हमें मीटिंग को आगे बढ़ा देना चाहिए। वो करमवीर सिंह खाना खा रहे हैं शायद, उनको मैंने कहा था किसी जो परिवार साहब ड्यूटी लगाओ आप किसी की, परिवार साहब ड्यूटी लगाओ किसी की, परिवार साहब लगाओ सर, ये बातें थोड़ा आगे बढ़ाइए सर, आगे बढ़ाइए सर, ये जातिवाद की बातें बिल्कुल करो मत भाई। परियार साहब सर, परियार साहब कहाँ गए? परियार साहब डॉक्टर स्वामी जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये अपने भाई साहब हैं, किसी को भी बोलिए प्लीज। परियार साहब ड्यूटी लगा दो आज किसी की, 26 तारीख का है जी, किसी की उसमें ड्यूटी लगाओ ना, एंकरिंग में आज टाइम ज्यादा हो गया, एंकरिंग की आज संविधान पे था, अभिषेक राज जी नहीं है क्या? अभिषेक राज जी तो मेरे ख्याल में वो अपने कुछ परेशानी में लगे हुए हैं, वो प्रेम माथुर जी हैं, काफी सारे लोग आशा गौतम जी होंगे सर। प्रियंबल पढ़ो क्या? प्रियंबल आपको भी मौका दो बोलने का, प्रियंबल के लिए कौन कह रहे हैं? मैं तैयार हूँ, छोटेलाल जाटव सर। कौन? छोटेलाल जी। हाँ जी छोटेलाल जी, कौन बोल रहे? सर मैं पढ़ दूं? नहीं पहले कौन बोल रहे थे? डॉक्टर स्वामी बोल रहे थे शायद, एनपी सिंह है। चलो जिसने नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहा वो पढ़े। नहीं है तो कोई भी डॉक्टर साहब आपने पढ़ा? आप बोल रहे थे क्या? कोई नहीं पढ़ रहा तो सर मैं हूँ तैयार, पढ़ूंगा। क्या नाम क्या है? छोटेलाल जी। हाँ हाँ सर मैं। तो मैं आपको बोल रहा ना, नहीं कोई अच्छा, नहीं पढ़ रहा ऐसा तो। नहीं आप पढ़िए। चालू करूँ सर? हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। भारत का संविधान उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संबत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद। तो कोई वकील है हमारे बीच में? प्रियार जी, देख रहा हूँ। देख रहे हो? आज मैं दिन में भूल गया। सर, अभी साहब जो बोल रहे थे जाटव जी, सर वो अपने नाम में से यहाँ से जाटव हटा लें तो बहुत अच्छा लगेगा। नेम चीजें वो तो एक डॉक्यूमेंट में हटा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ से हटा दीजिए। डॉक्यूमेंट में वैसे अच्छा लग रहा है तो लगा रहे, तो वहाँ कोई नहीं, हम नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ हमको दिख रहा है सर। एक रिक्वेस्ट है सर, यहाँ से ना सभी देखते हैं, इसमें से तो आपको सिर्फ यहाँ से सिस्टम में से हटाना है सर। नहीं नहीं, सुनिए, कोई जाति के संगठन से आज तक नहीं जुड़ा, जाट में कोई संगठन से नहीं जुड़ा हूँ, मैं ना जुड़ूंगा कभी ऐसा नहीं। क्या सर, मैं कोई जातिवादी संगठन से आज तक जुड़ा? मैं 52 ईयर्स मैं बता रहा हूँ, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए छोटेलाल जी, एक मिनट सुनिए, आप थोड़ा सा चुप रहिए। मैं एनपी सिंह जी बताना चाह रहा हूँ कि छोटेलाल जी एक पक्का अम्बेडकरवादी साथी है और बहुत ही डेडिकेटेड है। मैं बता दूँ पूरे संघ को, वो बहुत मेहनती है और संघ के प्रति बड़े वफादार हैं। संघ की जो भूमिका है उसमें हम देख रहे हैं, इतने दिन से 4 महीने से छोटेलाल जी अपनी बात पर जो है ना संघ के प्रति बहुत ही वो है। और जहां तक बात इनकी ये है कि भी आपने ऐसा अपील करी, तो मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि आप पूरे संघ से अपील करें कि भी इस प्रकार की बात से दूर रहे। एनपी सिंह जी, छोटेलाल जी कहाँ गुम हो गए? वो पता नहीं, नेमचंद जी कहाँ गए, हटाने गए हैं। मैं बीदा पीपल हूँ और रहूंगा सर, नाम में क्या रखा है, नाम साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। परियार सर जी शुरू कीजिए ना। चलो, वैसे आज एडवोकेट कोई है नहीं क्या? एक छोटेलाल जी आप कर लो एंकरिंग, आप शुरू कर दो, कोई आ जाएंगे तो वो ले लेंगे फिर हाथ में। हाँ, कटके साहब भी हैं साथ में, चलो चालू कर दो। चलो, जो भी कोई साथी नए आए वो जो है एक बार थोड़ा हैंड रेज कर दे तो ठीक है। विनय विजयकांत जी हैं जी, तो सर मेरे पास 8 लोगों की लिस्ट है महाराष्ट्र से, मैं उनको ले लूं? हाँ ले लो, ले लो आप लोग प्लीज। सर सर जी हैं, उनको ले लीजिए। जी 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 सर, हमारे बीच में बालकृष्ण ताड़े साहब है अमरावती महाराष्ट्र से, मैं उनसे विनती करता हूँ कि कृपया अपना परिचय दे, आप क्या करते हो बताए, और आपको विदेश पीपल के बारे में कैसा लगता है इसके बारे में संक्षिप्त में कहें। मैं बोलूं सर? ताड़े साहब अनम्यूट कीजिए। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए 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 जो। हाँ, जय भीम, नमोबुद्धाय सभी को। मैं विजयकांत, अमरोहा यूपी से। सर मुझे जो चंडीगढ़ से हमारे साथी हैं, मुझे उनकी सलाह की आवश्यकता है थोड़ी सी। नमोबुद्धाय, जय भीम के लिए। सर मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी जो मौसी सिस्टर है उसको ब्लड कैंसर है, तो उसको चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया है। देखो पीजीआई में जी पीजीआई के लिए एडमिट करेंगे, और पीजीआई में ज्यादा सिफारिश चलती नहीं है, और वहां पर उसे अगर रेफर करें तो आते ही एडमिट कर लेंगे वो। जी एडमिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना नंबर दो, मैं आपको अभी नंबर भेज दूंगी, बात कर लूंगी मैं आपसे, मैं आपको यहाँ के पर्सन का नंबर देती हूँ, आपका सारा काम करा देंगे पीजीआई में। नंबर शेयर कर देता हूँ मैं। हाँ, नाम क्या आपका? मेरा नाम विजयकांत है।
ओके, आप अपने नंबर दो, मैं अभी आपको सारा उनका नंबर भेज दूंगी जी। थैंक यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है शर्मिला बहन जी, क्या नाम है के सर? हाँ यस, आप बालकृष्ण ताड़े साहब प्लीज अनम्यूट कीजिए। ताड़े साहब। हाँ सर। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी के लिए। मैं एडवोकेट बालकृष्ण ताइडे अमरावती से महाराष्ट्र। एक्चुअली मैं सीनियर मैनेजर करके बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत था, 2012 में रिटायर्ड हो चुका हूँ। अभी प्रैक्टिस चालू है अमरावती कोर्ट में। और रमेश कटके सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है इस प्लेटफॉर्म पे, और उन्हीं की वजह से मैं ये वही में एक्चुअली इन्वॉल्व हुआ हूँ। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम सब लोग यूनाइट नहीं होंगे कोई काम नहीं बन पाएगा। मेरी शुभेच्छा है, और जो भी काम मुझे मिलेगा मैं करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू ताड़े साहब। हमारे बीच राजेश गुजर साहब है। राजेश गुजर साहब प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। गुजर साहब अनम्यूट कीजिए। ये सब नए साथी है जुड़े, 5-6 लोग जुड़े महाराष्ट्र से। राजेश गुजर साहब मेरी बात सुन रहे हैं? मैं गुजर से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ यस, अपना परिचय दीजिए। हाँ ठीक है, हमारे बीच शुभांगी मालखेड़े ताई है, बैल मालखेड़े ताई। शुभांगी अपना माइक खोलिए। शुभांगी ताई अनम्यूट कीजिए और अपना परिचय दीजिए। शुभांगी ताई हमारे बीच। वानखेड़े साहब है BSNL से। वानखेड़े साहब, वानखेड़े साहब बात सुन रहे हैं मेरी? सर हाँ सर, आए सर मुझे। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम पंडित वानखेड़े है। एक 5-6 दिन पहले नाम के बारे में कुछ परिहार साहब से कुछ क्वेश्चन रेज हुए थे, उसके बारे में 2 मिनट बात करूंगा मैं। अभी परमिशन है ना मुझे? लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं सर? बोलिए। हाँ हाँ, एक्चुअली उस एपिसोड में मैं निकल गया था बाद में, तो कुछ नाम और सरनेम के बारे में कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो महाराष्ट्र में कैसा कि फर्स्ट नेम भी पंडित रहता है, कि पंडित बोले तो वो पंडित नहीं है, और उसके बाद में सरनेम भी पंडित रहते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे एरिया में वैसे भी है, क्योंकि कुछ SC भी आते हैं और कुछ ओपन में भी आते हैं, तो हम लोग ओपन में से नहीं है। मैं यहाँ पे सबको बताना चाहता हूँ कि अभी जस्ट चल रहा था कि नाम के ऊपर से जाटो वगैरह ये, इसलिए मैं सोचा कि मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर दूँ, अदरवाइज किसी को डाउट ना रहे। क्योंकि हम जानते हैं। नहीं नहीं भाई, सर आपकी बात ही नहीं सर, मैं सभी साथी के लिए एक इन्फॉर्मेशन के लिए रख रहा हूँ, किसी को डाउट नहीं है मेरा। थैंक यू सर। उस दिन का आपका क्लियर हो गया अभी? राजेंद्र खड़से साहब हमारे बीच में, सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल एक्साइज GST सेंट्रल GST। राजेंद्र खड़से साहब अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए खड़से साहब। अनम्यूट कीजिए खड़से साहब। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस यस। नमो बुद्धाय जय भीम। हाँ जय भीम कटके साहब, एक्चुअली मैं कल ज्वाइन हुआ हूँ, और ये आपकी आपने जो मुझे बोला था मुझे अच्छा लगता है। मैं नासिक में हूँ और सेंट्रल GST में सुपरिटेंडेंट हूँ, जैसे आप जानते हैं। आप हमारे अच्छे दोस्त हैं कटके साहब, और थैंक यू आप लोगों ने हमको इसके लिए इनवाइट किया, और अच्छा लग रहा है। आप कुछ कहेंगे? एक मिनट, आप कल से ज्वाइन हो चुके हो, आज दूसरी बार आए हो, आपको इसके बारे में कैसा लगता है, विद द पीपल के बारे में? ये
अभी तो ठीक लग रहा है, मेरी ऐसे अपेक्षा है कि ये सीधे लाइन पे चलना चाहिए, और जैसा कि इसमें पास्टिज्म, जैसे किसी दोस्त ने कहा कि जातिवाचक नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जाति से ही हम लोग बटे हुए हैं हजार जातियों में, हम लोगों का शब्द प्रयोग जो है वो सही होना चाहिए, ताकि हमारी एससी में जितनी भी जाति है किसी को हर्ट ना हो और कोई दूर ना जाए। सब जाति को मिटाने के लिए यहाँ पर आए, विद द पीपल जातियां मिटा देगा, क्योंकि बाबा साहब की उंगली अगर पकड़ ली हाथ में तो धीरे धीरे हमारी सारी जातियां डाइल्यूट हो जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब यही संदेश दिया है। धन्यवाद सर। कटके साहब, कटके साहब, हाँ यस, एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा बोल तो एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। मैं यहाँ पे जो जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमको जो गुलामी से दूर किया है, निकला है, वो सही गुलामी भगवान की है, भगवान से हमको दूर किया है, इसलिए हम लोग छूट गए हर चीज से। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी अपने आप को बौद्ध कहलाता है उसने किसी भी भगवान पे विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारा सही में जो बुरा करने वाला है वो भगवान ही है। ओ, तो उससे दूर। सुधीर राज सिंह सर जी, भगवान के बारे में बताइए जरा प्लीज, एक मिनट जी। राज, क्या नाम है? राज खड़से, खड़से जी, राजेंद्र खड़से, राजेंद्र खड़से, क्या नाम थे? राज खड़से जी, खड़से जी, राज खड़से, खड़से जी, पूरी दुनिया में जो भगवान शब्द है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए माना जाता है और एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, और उसका नाम है सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध हुआ। और क्यों माना जाता है? क्योंकि जो शब्द है असली वो है भंगवंतु। ये जो आप कहते हैं ना, जो भंगवंतु वदेन, दरअसल जो गीत गाता है भंगवंतु वदेन, तो भंगवंतु का मतलब है जैसे श्रीमंतु होता है, धीमंतु होता है, ऐसे ही जो भंग करने वाला होता है उसको भंगवंतु बोलते हैं। अब क्या भंग किया है? जब आप बुद्ध का विपस्सना सीखेंगे, बुद्ध का टेक्निक सीखेंगे, तो बुद्ध के टेक्निक में शरीर को पूरी तरह से डाइल्यूट करने का, यानी विखंडित विखंडित करने का, खंड खंड करने का, भंग करने का, डिजॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है। और ये लगभग बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है। अगर मैंने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो मैं कभी बताता भी नहीं। यहाँ कटके साहब ने भी एक्सपीरियंस किया है, डॉक्टर लाल सिंह, उन्होंने भी, जिन्होंने विपस्सना की है, वो अगर अच्छी तरह विपस्सना करते हैं तो सेवेंथ डे उनको ये फील हो जाता है कि अब शरीर पूरी तरह से विखंडित हो गया, डायल्यूट हो गया, डिजॉल्व हो गया, भंग हो गया। उस समय ये जो शब्द था भंग था पाली के अंदर, तो भंग होने वाले को भगवंतु कहा, तो बुद्ध पहले भगवंतु थे उसको भंगी कहा गया, और जो महिला होती थी उसको भंगन कहा जाता था, तो वो शब्द वहां से आया। मगर उन्होंने क्या किया कि भंगवंतु से ये भग बन गया और भागवान बन गया। भागवान का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं कि पार्ट, यानी पार्ट वाला, जैसे खेत के अंदर दो भाग कर दें, दो हिस्से कर दें, तो उसको बोलते हैं दो हिस्से वाला, भाग वाला। और किसी के पास अगर हम खेत के सौ हिस्से दे दें, यानी एक खेत के सौ हिस्से टुकड़े करें और सौ के सौ दे दें, तो उसको कहते हैं ये सौ भाग वाला है। इसी से शब्द पड़ा सौभाग्यवती या सौभाग्यवंतु, यानी महिला है तो वती हो गया, और अगर आदमी है तो वंतु हो गया या वान हो गया, भाग्यवान या सौभाग्यवान। तो भाग से बाद में भाग्य बन गया। तो भाग्य शब्द पाली में नहीं है, भाग शब्द जो है वो बाद में बना, मगर भंगवंतु है। तो बुद्ध पहले भंगी थे, भंगवंतु थे, और बाद में जितने भिक्कू बने वो सारे के सारे भंगी बने, भंग करने वाले की है। पूरे भारत में अगर भगवान शब्द, क्योंकि बाद में ये टूटता चला गया और इसको संस्कारित करके ये आसान होता चला गया, तो इसको भगवान बोलने लगे, भंगवान से भगवान हो गया, भंगवंतु से भगवान हो गया। सिर्फ बुद्ध के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी जब बुद्ध की ख्याति बहुत ज्यादा फैली और बुद्ध का नाम लोप हो गया, मगर इस नाम की इज्जत बहुत होती थी, तो सभी लोग एक दूसरे को, जो थोड़ा सा पीला कपड़ा पहन लिया, लाल कपड़ा पहन लिया, या कोई चोला आ गया, यहाँ तक कि जो आचार्य रजनीश था वो भी अपने आप को भगवान कहता था।
कि मैं भगवान हूं, जबकि भगवान को वो गॉड से लेने लगे तो भगवान बाद में गॉड हो गया। तो यहां दिक्कत ये आ गई क्योंकि अगर हम अपने बुद्ध को भगवान कहते हैं या भगवान कहते हैं तो हमारे लोग ये समझते हैं कि ये गॉड को बोल रहे हैं और गॉड हमारी कल्चर में है नहीं। तो दो चीजें यहां आ गई हैं, क्योंकि अगर हम साधारण आदमी कहते हैं कि भगवान है तो वो गॉड समझता है। अब इतनी लंबी सारी सारी बात किसको सिखाएं, जैसे आपको तो कह दिया कि कटके साहब ने कहा आदेश किया कि बताओ क्या है क्या नहीं, तो आपको बता दिया, आप जानकार हैं समझ जाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर देते हैं और बहुत सारे लोग इसको समझ के चुप रहते हैं। और मैं इसका इस्तेमाल करता हूं भंग वंतु वदेन जो गीत है यानी गीता है उसमें, क्योंकि हमारा जो धम्मपद है उसका असली नाम है भंग वंतु वदेन धम्मपद, यानी जो भगवान बुद्ध ने वदेन है यानी कहे हैं वो है। इसी को नाम लेके उन्होंने बाद में भागवत बोल दिया, भागवत तो भगवंतु से भागवत हो गया तो गीता हो गया। गीता मतलब उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारे गीत होते हैं, उस किताब को गीता बोलते हैं। एक गीत को गीतो बोलते हैं, बहुत सारे को गीता बोलते हैं। तो ये सिंपल सा इसकी बात है, इसलिए आप कह भी सकते हैं नहीं भी कहें, जैसे आपको लगता हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुधीराज सर, बहुत बढ़िया। हमारे बीच शुभांगी मालखेड़े मैडम है, शुभांगी मालखेड़े बहन जी अपना माइक खोलिए और अपना परिचय दीजिए। शुभांगी भाई, कटके साहब, सुषमा वासेकर, कटके साहब एक जिक्र और कर दूं, इसमें पूरा हो जाएगा। इसमें पाली में दिया भी हुआ है भग्य रासो भग्य दोसो भग्य मोह मूर्ता, ये पाली के यस 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 यस, इससे ये भी क्लियर होता है कि उन्होंने क्या क्या भंग किया, राग को भंग किया, दोष को भंग किया और मोह मूर्ता को भंग किया, इसलिए उनको भंगवान बोलते हैं, भंगवंतु बोलते हैं। बराबर बराबर। अब पहली गाथा जो बुद्ध ने कही थी जो उदान है, अनेक जाति संसार संधा विश्व अनिविश गह कारक गवसंतु दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुन गेहन कहसी सब्बा ते पासुका भग्गा गह कूटा विसंगता। इसमें जो भग्न किया है वो तना तृष्णा को भग्न किया है, सब पहली ही उदान में आया हुआ है जो कि धम्मपद में है, 183 नंबर की गाथा है धम्मपद में। सर इसकी पूरी हिंदी बताए प्लीज। तो आपने पूरा श्लोक बोला है, इसका पूरा हिंदी में मतलब बताए प्लीज। हाँ, अनेक जाति संसार, इसका मतलब मैं इसके पहले बहुत सारे ये संसार में जो विश्व है इसमें मैंने ये जन्म से दूसरे जन्म में जन्म लेता रहा। संधा विष अनिविष ये अनिश्चित काल की श्रृंखला बनी रहती थी, मैं दुख में पैदा होता था, दुख में रहता था, फिर से निर्माण होता था। गह कारक गवसंतु ये तृष्णा को बोलते है बुद्ध की, ये तृष्णा तू जो मेरे दुख का घर बनाए बैठी हुई है, अब मैंने तुझे तुम मुझे मिली हो। गहकार गवसेंतु दुखा जाति पुनः पुनः, अब मुझे पता चला है कि फिर से बार बार मैं दुख में ही पैदा होते जा रहा हूँ और दुख में ही मैं रह रहा हूँ। गहकार दिठोसी, अब तुम मुझे ठीक से दिखाई दे लगी हो। पुनः गेहन काहसी, अब तुम फिर घर नहीं बना पाओगे। सब बातें फांसुका बग्गा, क्योंकि मैंने तुम्हारे घर के सारे फांस जो लकड़े जो झोपड़ियां होती थी वो सब मैंने ध्वस्त कर दी है। तन्नाय खाय मत जगा, तृष्णा मैंने तेरा नाश कर लिया है क्योंकि मैं बुद्ध बन चुका हूँ। सबसे पहली बात जो गाता है बुद्ध ने संबोधि प्राप्त होने के बाद पहले बुद्ध गया में की थी वो उदान में आता है और धम्मपद में 183 की गाथा नंबर है। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में रुबल थूल है, रुबल थूल जी, अच्छा जो भी नए साथी है सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया अपने हैंड रेस कीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए कौन कौन नए लोग है आज। पासवान इंटरनेशनल है, अपना परिचय दे, कोई बात नहीं, हैंड रेस हाथ से दे रहे हैं, या फिर परिचय दे या फिर हैंड रेस, पासवान इंटरनेशनल। एक हरि सिंह जी भी है ग्वालियर से, उनका भी करा दो। जय भीम सर, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हरि सिंह जी, बोलो बोलो सर। मैं हरि सिंह बोलता हूँ सर। अब बोलिए आप क्या करते हैं सर। मैं सीआरपीएफ हवलदार से रिटायर हूँ और मैं समाज में काम कर रहा हूँ बाबा साहब का मिशन,
और आपका एक मैडम थी हमारी रिलेशन में है आशा गौतम जी, उन्होंने वीदा पीपल के बारे में बताया, तो मैं कल से ज्वाइन हुआ हूँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल इंडिया के लोगों से मेरा संपर्क हो रहा है, अच्छा लगा सर। जैसे जुड़ूंगा सीखूंगा, आप जो काम देंगे मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा करने के लिए। जय भीम नमो। लोकेश पोरवाल सर का हैंड रेज है, लोकेश पोरवाल जी कृपया अपना परिचय दीजिए। जी दीजिए परिचय लोकेश जी। जी सर, जय भीम सर, सभी को नमोदय। मैं लोकेश पोरवाल भरतपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। लोकेश मैं वीडियो म्यूट कीजिए, वीडियो यस सर बोलिए ना। हाँ सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, साथ में मैं बाबा साहब को मानता हूँ और मैं आज से ज्वाइन हुआ हूँ आपके इसी ग्रुप में। तो हालांकि मुझे नहीं, वो क्या है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ अम्बेडकर बाबा साहब के में, तो उससे मैंने जूम मीटिंग देखी, तो मैंने सोचा आज लेके देखते हैं। इसमें मुझे पता है नॉलेज की बात ही मिलेंगी, इसलिए कि मुझे और इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इस मीटिंग के बारे में, बट मैं इसमें ज्वाइन हो गया और जब मैं ज्वाइन हुआ तो कुछ ना कुछ तो सीखूंगा सर इसमें, लेकिन इतना है कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ। आपकी आशाएं पूरी होगी, आपको सब कुछ नंबर भी डाल दे, नंबर भी डाल दे, चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए, नंबर डाल दे। हां नंबर डाल दिया सर, जोड़ दिया लोकेश जी आपको, है ना, राजस्थान ग्रुप पे जोड़ दिया। अच्छा अच्छा, पासवान इंटरनेशनल है, उनका हैंड रेज वो ऐसे नहीं कर पा रहे। पासवान जी बात कीजिए। मैं सुदर्शन पासवान, डॉक्टर अमरनाथ पासवान प्रोफेसर है बीएचयू के, उन्होंने हमको इसमें इंट्रोड्यूस किया है जी। आप क्या करते हैं सर? मैं सर बिजनेसमैन हूँ, मैं मेरी एक कंपनी है पासवान इंटरनेशनल, दूसरी लोटस कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है आपका? जी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है? नहीं, मैं पासवान इंडस्ट्रीज में एलएनटी का वेंडर हूँ, अथराइज वेंडर हूँ लार्सन टोब्रो का। ओके ओके। और लोटस कंस्ट्रक्शन है, उसमें हमारा बेटा आर्किटेक्ट है, तो हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग करते हैं। यस सर, यस, वेरी नाइस। मुकेश जी हमारे बीच में है, हमारे बीच में मुकेश जी हैंड्रेस है उनका, प्लीज बात कीजिए। एक मिनट काट के साहब। हाँ यस। एक मिनट पासवान जी, आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं क्या आज? जी हाँ, आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, क्योंकि डॉक्टर रामनाथ साहब का वो साइट है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ, बहुजन वो जो है बहुजन वाले, तो उन्होंने लिंक भेजा था, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि हम पार्टिसिपेट करते हैं, और मैं अपने संविधान को और बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत इज्जत देता हूँ और मानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे लिए कोई ग्रंथ है तो हमारा संविधान है, और हमें इस पर अमल करना चाहिए, इसके साथ चलना चाहिए, और बाबा साहब पे जो मेहनत किया है उस पे जो है कि हमको इसकी सम्मान करते हुए और इसी को ग्रंथ मान के इसी के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए, मेरा यही विचार है। पासवान साहब आप जुड़े रहे और नंबर डाल दें, आपको लिंक मिल जाए। हेलो सर, एक भीम सिंह वकील जुड़े हुए हैं जी, भीम सिंह एडवोकेट, उनका परिचय चल लीजिए सर। हाँ हाँ बताइए बताइए। भीम सिंह एडवोकेट। हाँ भीम सिंह जी। भीम सिंह जी सर। जी सर नमस्कार सर, जय भीम सर। हाँ भीम सिंह जी नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो बुद्धाय सर। यस प्लीज परिचय दीजिए अपना। सर मैं भीम सिंह एडवोकेट जींद डिस्ट्रिक्ट और जिला से बिलोंग करता हूं और जींद कोर्ट में बैठता हूं सर मैं। हाँ जी। आपकी फोटो दिखाओ, भीम सिंह अपनी फोटो दिखाओ। जी जी जी, जी सर। पहली बार जुड़े भीम सिंह जी? नहीं सर, पहले भी जुड़ा था सर मैं, और काफी बार मीटिंग ज्वाइन कर चुका हूँ सर। ओके ओके ठीक है भीम सिंह जी। हेलो सर,
कोई नए साथी जुड़े परमवीर सर जी 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 कोई नए साथी अगर है तो उनको इनवाइट कीजिए ना जानकी प्रसाद सर का भी हाथ उठा हुआ है फिजिकली हाथ उठा रहे साकेत जी एक मिनट गुजरात से साथी बोल रहे थे गुजरात से ठीक है सर ठीक सर मैं गुजरात से बोल रहा हूँ किशोर मनोहर और मुझे संजीत सर ने इनवाइट किया है और मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ जुड़ा हूँ वो लिंक तो बहुत बार मुझे भेजते मैं लक्ष कमांडर जो अपना ग्रुप है ना गुजरात का उसी में से काम करता हूँ और वो सब मेरे गौतम जी वो सब मेरे घर पे भी आ गए हैं यहाँ गुजरात में जी। लेकिन वो दिक्कत थोड़ी ये हो रही है क्योंकि सर मेरा माइनिंग का थोड़ा काम है तो 8 बजे मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ तो आज घर था इसलिए पहली बार जुड़ा हूँ तो सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम सर ये प्रोग्राम 8 से लेकर 12 बजे तक चलता है जब भी आपको मौका मिले जब आप जुड़ सकते हैं हाँ थैंक यू सर रात के 12 बजे तक चलता है जब मौका मिले जब जुड़े हाँ, और छोटा लाल जी सर बोलिए सर छोटा लाल यादव या यादव क्या नाम है अटल जी हाँ बोलिए सर बोलिए यानी आप बात कर रहे हैं छोटा लाल जी कहाँ हो हाँ सर मैं हूँ ना बोल रहा हूँ सर बोलिए सर मैं सूरज से बोल रहा हूँ रेलवे से सर आगे गुजरात के साथ ही हाँ उनसे बात करो एक बार किधर है सर दोबारा एक बार अपने इंट्रोडक्शन देना मैं भी नोट कर लेता हूँ जो साथी जो गुजरात के आए थे तो गुजरात के साथ ही आपसे बात कर रहे हैं जो अभी अभी इंट्रोडक्शन दे के गए प्लीज बोले हेलो सर एक बार दोबारा नाम बताएं सूरत से हूँ छोटा लाल और रेलवे में सर्विस करता हूँ हाँ मैं हाँ जी हाँ मैं राजकोट डिस्ट्रिक्ट के जो धोराजी है ना उसके बगल रहता हूँ धोराजी तहसील है ना जहाँ रेल वो जंक्शन जतलसर जंक्शन हाँ, हाँ, तो आप कोई रूप में बीजा पीपल गुजरात है उसमें जुड़े हैं कि सर हाँ हाँ वो जो गौतम जी है ना और गौतम जी कौन से वो लक्स कमांडर में लक्स कमांडर नहीं, नहीं, वो नहीं करा मैं बीजा पीपल गुजरात के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है मैंने तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ठोल दो तो आपको लिंक मिल जाएगा मैं जोड़ दूंगा आज आपको आप अपना नंबर छोड़ देना चैट बॉक्स हाँ हाँ ठीक है सर मैं छोड़ और सर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुजरात से जोड़ दिया है ना अपना नाम हाँ, और चैट बॉक्स में नंबर छोड़ वो मेरे बीच सुनील भालेराव जी है एक मिनट जरा छोटा लाल जी लाल जी जो लक्स कमांडर की बात कर रहे हैं उनका भी ले लो एक मिनट हो गया लक्ष्य जो जिसके भैया लक्ष्य कमांडर वाले आपके आप खजान सिंह के वो हो ना खजान सिंह ना आपके कमांडर खजान सिंह जो बेंगलोर वाले हैं हाँ खजान सिंह ने अच्छा तो गुजरात में कितना काम है कितने जिलों में आपने अब तक काम कर लिया है लक्ष्य का अभी हमने चार डिस्ट्रिक्ट में काम कर लिया है पोरबंदर राजकोट जूनागढ़ और जामनगर तो क्या उद्देश्य बताते हो आप उनको कि क्या है अभी अभी वो खजान जो संजीव भैया है ना संजीव सर हाँ हाँ उसके डायरेक्शन में पूरा टीम काम कर रही है आप उद्देश्य क्या बता रहे हो आजकल जब आप किसी के पास जाते हो वहाँ कि हम लक्ष्य कमांडर से आए हैं तो उनको पूछते होंगे ना कि क्या काम करता है लक्ष्य कमांडर तो क्या बताते हो हाँ, हाँ, वहाँ एक ही बात बोलते हैं जाति तोड़ो और समाज जोड़ो और एजुकेशन की बात कर रहे हैं सर हम मतलब आप एक तो जाति तोड़ने की बात करते हो और एक एजुकेशन की बात करते हो तो जाति तोड़ने हाँ, के लिए क्या बताते हो क्या उपाय बताते हो कि जाति कैसे टूटेगी वो जो बाबा साहब के जो सिद्धांत है बाबा साहब ने जो बताए रास्ते ये सब हमारे यहाँ क्या होता है सर बहुत सारे ऐसे जो सौराष्ट्र एक जोन सौराष्ट्र है सौराष्ट्र को छोड़ के बाकी के तहसीलों में और डिस्ट्रिक्टों में हमारी कास्ट में भी बहुत तो, मतलब जैसे यूपी बिहार में होते हैं चमार वो हमारे यहाँ सौराष्ट्र में वो डिमांड ऐसी है प्रॉब्लम दिक्कतें नहीं है लेकिन बाहर बहुत दिक्कत है तो हम वही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो चलो अच्छी बात है खजान सिंह से मेरी बात हुई थी आप इधर विदा पीपल में अगर आते रहोगे तो आपको कुछ एडवांस और आगे की जानकारी भी देंगे क्योंकि वो 2 पॉइंट पे काम कर रहे हैं यहाँ सभी पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से जानकारी अगर लोगे तो लोगों को सिखाने में और अच्छा काम करेगी आपका
हाँ हाँ सर स्टेज है, आप यहाँ रोज जुड़ेंगे ना तो आपको नई नई जानकारी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लिया करो यहाँ। और खजान सिंह जी को जय भीम बोलना, के ना वी द पीपल वालों ने आपको जय भीम भेजा है बड़ा वाला। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक ओके 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 थैंक यू, जुड़ते रहना आप और भी साथियों को जुड़ते रहना इसमें। हाँ हमारे भी सुधीर सर, हमारे भी सुनील भालेराव साहब है, सुनील भालेराव जी अनम्यूट कीजिए, सुनील भालेराव जी, सुनील भालेराव जी आप हैं इधर? हाँ सर, ये डॉक्टर यूएस लाल सर का हैंड रेज है, प्लीज। जय भीम नमो बुद्धाय सर, जय भीम संविधान सर, बुद्धाय सर। हमारे साथ डॉक्टर रामानंद सिद्धार्थ जी हुए हैं आज, एडिशनल सीएमओ हैं ये अंबेडकर नगर में सर, ये अपना परिचय देना चाहते हैं। हाँ सर, जय भीम नमो बुद्धाय सर, जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ सर, एडिशनल सीएमओ हूँ अंबेडकर नगर में। हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ जी, अंबेडकर नगर में एडिशनल सीएमओ हूँ। एक्चुअली ऐसा पद मिला है, शाम को डेली करीब करीब मीटिंग हमारी रहती है, हम काफी दिन से जुड़ना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ काफी दिन से, क्योंकि करीब करीब डेली मीटिंग होती है, तो कोशिश करता हूँ जुड़ने के लिए, लेकिन आज अचानक भाई साहब के यहाँ आया तो मुलाकात होगी और आप लोगों से मुलाकात हो रही है। थैंक यू सर, आप जुड़े रहिए और अपना नंबर चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। हमारे बीच संजय वानखड़े साहब है, संजय वानखड़े साहब प्लीज अपना परिचय दीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस हाँ, सभी साथियों को जय भीम नमोदय, जय भीम, जय भीम नमोदय। आप सर जी जो जो भी काम चालू है वो पूरा पूरा सराहनीय है। हम आप हेलो आपकी आवाज चली गई है, इन लोगों को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, हमारे लोग तो जुट रहे लेकिन बाकी लोगों को भी जुटना चाहिए। और ओनली हैप्पीनेस इज नॉट मोटिव बट इट शुड बी द हुकुमरान, आई थिंक इट शुड बी द हुकुमरान, जमात बनना चाहिए, यही मोटिव होना चाहिए। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, सभी साथी साथियों के साथ जुटकर बहुत अच्छा लग रहा है। और जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे बीच अनीता गवई मैम है, मैं अनीता गवई मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वीडियो खोलिए और अपना परिचय दीजिए। अनीता गवई मैम, अनीता मैम हेलो। हाँ जय भीम नवोदय। हाँ सर जय भीम। सर 2 मिनट देते मैं तुम्हारा वीडियो खोलून परिचय। हाँ हाँ ठीक है, 2 मिनट सर। ओके 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 ओके। यस अपनी बात शुरू रखिए मैम। कटके साहब थोड़ी 2 मिनट मांग रहे हैं ना वो। हाँ अमोल इंगोले साहब ले लो किसी को। अमोल इंगोले जी, अमोल इंगोले नए साथी है, अमोल जी परिचय दीजिए, अपना माइक खोलिए। अमोल अमोल जी क्या ये सुजाता पाटिल मैम है? सुजाता पाटिल मैम जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय, अपना परिचय दीजिए मैम। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। हाँ यस, भिलाई स्टील प्लांट में जॉब करती हूँ और हाँ? मैं यार जब से ये मीटिंग चल रही है तब से मैं ज्वाइन हो रही हूँ सर, और मैं 2-3 बार अपना परिचय दे चुकी हूँ सर। अब फिर भी नए साथी है इसलिए हम लोग परिचय देते हैं। जी जी जी, मैं रोज अटेंड करती हूँ सर ये मीटिंग। ओके ओके, आप दिखाई देती हो ऐसे हर दिन। जी सर। कोई बात नहीं। कटके साहब, कटके साहब। हाँ यस सर। बहन जी ये बताना है कि आपको इतने लगातार जुड़ रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको?
सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे मैं बिल्कुल वेट करती रहती हूँ 9 बजे का सुधीर राज सर का जो जो बताते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं बिल्कुल 9 बजे जरूर ज्वाइन हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं भी कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। लेकिन मैं फिर भी अपने आसपास लोगों को किसी तरह से हेल्प करके और पढ़ाई में और बुक्स वगैरह प्रोवाइड करके उन लोगों की हेल्प करती रहती हूँ सर। लेकिन मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मुझे कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है सर, इसलिए मैं लगातार इस यहाँ से जुड़ रही हूँ कि मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा। ठीक है सर, सुजाता जी आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप बने रहिए और महिलाओं को तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बने रहना चाहिए क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि महिलाओं की वजह से हमारा सब कुछ उद्धार होने वाला है और बुद्ध भी महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं। सर सुजाता मैम से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ ये मैम, सुजाता मैम मैं मनीषा निगम हूँ, दिल्ली तिलक नगर में रहती हूँ और अभी आप बोला ना कि आप कुछ करना चाहती हैं तो सर प्रथम आप विदा पीपल से जुड़ी हैं और विदा पीपल के कॉन्सेप्ट को आप इतने दिनों से सुन रही हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है आप सबसे पहला काम यही करिए ना, जुड़ने और जोड़ने का काम करिए। जब आप जुड़ने और जोड़ने का काम करेंगी और अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगी तो आपको अपने आप नए रास्ते मिलते चले जाएंगे, नए आपको काम करने के मौके मिलते चले जाएंगे। जो आप कुछ करना चाहती हैं वो सब कुछ आपको अचीव होगा वहां पर। तो आप सबसे पहला काम सिर्फ जुड़ने और जोड़ने का करिए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस मिशन से जोड़िए, इस संघ के साथ उनको जोड़िए, उनको विदा पीपल का कॉन्सेप्ट समझाइए जी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जो है ना कुछ कहना चाह रहे होंगे, एमपी से है आप, बोले सर। नहीं मैं एमपी से नहीं हूँ, मैं भी छत्तीसगढ़। अच्छा ग्वालियर, अच्छा ग्वालियर जी, हाँ छत्तीसगढ़। नहीं मैं आजकल सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट हूँ अंबिकापुर में और डॉक्टर साहब जानते हैं, सभी भाई लोग मुझे जान रहे हैं और जितने छत्तीसगढ़ के साथी हैं वो भी मुझे जानते हैं और मेरा छत्तीसगढ़ के दोस्तों से ये कहना है कि जब भी कोई, आप जैसे एक बहन ने बताया कि भिलाई में काम करती हैं और कुछ करना चाहती हैं तो मैं पिछले 20 साल से छत्तीसगढ़ में हूँ, छत्तीसगढ़ में ही काम है, हमारी वाइफ का एक एनजीओ है उस एनजीओ से जोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो काम कर रहे हैं वी द पीपल वाले लोग कर रहे हैं। तो वी द पीपल के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ के निवासी क्या कर सकते हैं इस विषय में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं अभी डाल देता हूँ तो आप मेरे से संपर्क रखेंगे, अंबिकापुर में पोस्टिंग है। अभी मैं बैठा हूँ मेन पार्ट में, मेन पार्ट यहाँ का हिल स्टेशन है जस्ट लाइक शिमला ऑफ द छत्तीसगढ़ और यहाँ पर एक रिजॉर्ट है, बौद्ध विहार भी है और बहुत काम है छत्तीसगढ़ में। मैं बस्तर में भी रहा हूँ, सेंट्रल जेल जगदलपुर में और यहाँ पर भी हूँ, तो ऐसी स्थिति में जितने भी लोग छत्तीसगढ़ के हैं, ओम प्रकाश जी दिल्ली वाले जो है यहाँ पर आके देख चुके हैं, तो सभी दोस्तों से मेरा कहना है कि जब भी कोई काम करना है हम मिलके काम करेंगे और अपने कारोबार को बहुत आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया राजेंद्र गायकवाड़ साहब। अनीता गवई मैम क्या बात करेंगे, परिचय देंगे? अनीता गवई मैम सर अभी थीम टॉक का वक्त हो चुका है। हाँ यस सर। हाँ यस बताइए। यस अनीता मैम। सर आवाज आ रही है? हाँ यस यस आ रही है, बताइए। सबको नमो बुद्धाय, जय भी होता है। हाँ यहाँ पे मेरा थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। मैं अनीता गवई राउत, मैं अमरावती से हूँ और मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता दूत के पोस्ट पे पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ और विद पीपल ये जो हमारा उपक्रम है उससे मैं हमारे सम्मानीय रमेश जी करके सर इनके माध्यम से जुड़ी हूँ और ये जो कंसेप्ट है विद पीपल ये मुझे बहुत पसंद आया है क्योंकि अगर संविधान के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हम सबको मतलब कुछ भी अधिकार नहीं थे
हमें कुछ महत्व नहीं था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमें हमारा महत्व भी मिला है और हमें हमारे अधिकार भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर हम संविधान के बारे में अगर सोचते हैं तो हम दिन ब दिन हमें ऐसे नजर आ रहा है कि संविधान जो है हमारा कुछ धोखे में है, तो इससे अगर हमें बचाना है तो सबको हमें एक साथ लाना होगा और संविधान के प्रति हमें कार्य करना होगा। तो सबसे पहले मुझे ऐसे लगता है कि शिक्षा नीति जो है उसे हमें बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी हम देखेंगे तो सीबीएसई का अगर हम सोचते तो इतना एजुकेशन महंगा हो चुका है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे चल के ऐसी शिक्षा प्राप्त भी कर सकते सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये मुझे संदेह है। और इसलिए हमें शिक्षा नीति पे तो काम करना ही है, लेकिन हमारे जो महिला है उनके अधिकार किस वजह से उनको प्राप्त हुए हैं वो हमें समझाना है, और सभी लोगों को, ना ही बहुजन समाज मतलब सिर्फ ना ही एससी एसटी, लेकिन पूरे जो महिला है ओबीसी है लेकिन और अदर कास्ट के हैं, उन सबको हमें समझाना है कि संविधान की वजह से उनको अपने अधिकार मिले हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट के बारे में जिनसे मुझे जानकारी मिले हमारे सम्मान्य रमेश जी कटके सर, उनका मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगी, उनकी वजह से मैं जुड़ी हूँ और मैं और बाकी लोगों को भी ये विद पीपल कंसेप्ट में जुड़ाना चाहूंगी। थैंक यू। अपना नंबर छोड़िए अनीता मैम, अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, तो सुधीर राज सिंह सर, अभी कंसेप्ट का वक्त हो चुका है, अपनी भूमिका के बारे में, विद पीपल क्या है, क्या करना चाहता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया विद पीपल के कंसेप्ट के बारे में अपनी बात रखिए। कटके सर, सुधीर राज सिंह सर, कटके सर। हाँ यस यस। नहीं आज संविधान दिवस है, अगर कोई और भाई अगर कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है तो इनवाइट करिए आप। हाँ कोई है हमारे बीच खासकर एडवोकेट संविधान के ऊपर बात करना चाहते हैं? कोई है सर, उसके बाद सुधीर जी को ले लेंगे। कोई भी साथी जो ना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो आज तो आइए। एडवोकेट की बात नहीं है छोटेलाल जी, कोई भी बोलना चाहे, कोई भी बात कीजिए, कोई भी क्लियर करना चाह रहा है, हमारा इतने दिन चल रहा है, कोई भी साथी आए जो बोलना चाहता है आज के संविधान के ऊपर, रिक्वेस्ट है। सभी साथियों से अनुरोध है कि कोई भी कंसेप्ट के बारे में बोलना चाहे 2-4-5 मिनट 10 मिनट तो आइए। जी सर। जी यस। मैं ओम प्रकाश वाराणसी उत्तर प्रदेश से। जी हाँ बोलिए सर। ये सर जैसा कि हमारे बीच विदा पीपल में विद्वानों का कोई कमी नहीं है, सभी लोग समझ रहे हैं कि संविधान ही हमारा मुख्य आधार है, संविधान की वजह से ही अगर हम आज इस मीटिंग को भी कर पा रहे हैं तो संविधान की देन है। और हम लोग आज इस वेशभूषा में कुर्सी पे बैठ पाए हैं तो ये संविधान की देन है। तो साथियों से निवेदन है, जैसा कि हम पहली बार जुड़ के और आज तक जुड़ते हुए देख पा रहे हैं कि हमारा सारा जोर बुद्ध और संविधान पे है, सिर्फ जुड़ना और जोड़ना, हम जितने लोगों को संविधान के बारे में परिचित करा पाए और जितने लोगों से हम बुद्ध को पहुंचा पाए इस जन जन तक, दो ही विकल्प हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, संविधान और दूसरा बौद्ध धर्म। हमें पूरी तरह आपकी आवाज नहीं आ रही साहब, आपका माइक म्यूट हो गया शायद, माइक खोलिए प्लीज। जी सर। तो सर कहना यह था कि हमारे जो साथी इस विदा पीपल के मंच पे हैं,
बहुतायत सर्विस में भी हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, और वो अपनी मुसीबत को खुद देख रहे होंगे कि संविधान को किस तरह से नष्ट करने का प्रयास हो रहा है, बौद्ध धर्म किस तरह से भारत में जन्मा और भारत में ही विलुप्त हो गया, तमाम इसके लिए जो है लोग कोशिश भी कर रहे हैं। दिल्ली से साथी जो भी जुड़े हुए हैं उन लोगों को शायद ज्यादा जानकारी होगी कि इस बारे में खुद दिल्ली में बैठे तमाम नेता लोग जो हमारे वो कोटे से जाते हैं, संविधान की वजह से जाते हैं, और उनको खुद संविधान पे बोलने नहीं दिया जाता। जैसा कि हमारे सुधीर राज जी कह रहे हैं कि हमें जुड़ना है और जोड़ना है, इसका मतलब यही है कि हम जोड़ेंगे जुड़ेंगे तब हम संविधान की रक्षा कर पाएंगे, और संविधान की रक्षा कर पाएंगे तो हम आगे आने वाली अपनी पीढ़ी की रक्षा कर पाएंगे। और जितने भी पढ़े लिखे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमारा अतीत क्या था और हमारा भविष्य क्या होने वाला है। हम जितनी जल्दी हो सके संविधान और बौद्ध धर्म को जन जन तक पहुंचाएं और खुद बौद्ध धर्म के बारे में जानें और जनाएं, नहीं तो आने वाला समय इतना ही बेहद खतरनाक है जिसका आकलन निश्चित ही सर्विस में मौजूद लोग कर पा रहे हैं। उनका इतना मुश्किल क्षण गुजर रहा है, एक एक दिन शायद हमसे ज्यादा बेहतर वो लोग जान रहे हैं, और उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बन रही है हमारे साथ, हम सब उनके साथ हैं, विदा पीपल के साथ हैं, और विदा पीपल के साथियों के साथ होते हुए हम निश्चित ही ये संकल्प लेते हैं आज हमारा विदा पीपल के मंच पे, आज संविधान विशेष दिन है, तो आज हम पुनः ये संकल्प लेते हैं कि इसकी रक्षा के लिए पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, जो भी जरूरत होगा तन मन धन लगाया है। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने। असल में भारतीय संविधान के खास मुख्य 8 अंश है, जो पहली बात तो है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जो कि उसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे, आज के समय में 12 शेड्यूल बने हुए हैं, तो ये भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यूनाइटेड नेशन के करीब 193 कंट्रीज है जो कि अपना संविधान बनाए हुए है, उसमें से भारत का संविधान सबसे बड़ा है। दूसरी बात है कि वो बहुत सारे संविधानों का निचोड़ है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स से भरा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है उसमें। तीसरी बात है कि हमारे संविधान का एक फीचर है कि ये फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स है, ये फेडरल सिस्टम है, अनेक राज्य इसमें समाविष्ट है। चौथा है कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये इसका मेन फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद ये बैलेंस बिटवीन द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सुपरमेसी, ये इसका फीचर है। उसके बाद इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ। उसके बाद जो भारत का संविधान है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जिसको स्टेट सोशलिज्म भी कहा है बाबा साहब ने। असल में बाबा साहब ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी जो ग्रंथ लिखा था 15 मार्च 1946 को, बाबा साहब को ये पता था कि भारत का संविधान बनेगा, लेकिन मैं तो अकेला ही मेंबर हूँ, तो हो सकता है कि मैं पार्लियामेंट में संविधान में कुछ हिस्सा ले पाऊँ या नहीं, तो इसीलिए उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज करके एक अपना बुक लिखा था। उसमें जो रखा हुआ है वो भारत के संविधान में जो बातें आई है उससे भी दो चार बातें ऐसी है कि जो नहीं आई है, लेकिन वो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में बाबा साहब ने लिखी है। और अगला है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, भारत का संविधान एक तो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, जैसे कि कई वार की स्थिति आती है तो वो रिजिड बन जाता है, और कभी ह्यूमन राइट्स का एक आधा सवाल आ जाता है वो फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। स्टेट्स और सेंटर में जो रिलेशन है उसके बारे में भारत के संविधान में बहुत लचीलापन है, और ये दुनिया ऐसा एकमात्र संविधान है कि हर चीज को टैकल करता है। तो ये इतना अच्छा संविधान बाबा साहब ने जो लिखा है आज, लेकिन इस संविधान की हालत खस्ता है, इसलिए हम विद द पीपल से कठोर भी है। हाँ, विद द पीपल से हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हम अगर जुड़ जाते हैं और हमारा संविधान अगर हम बचा लेते हैं तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। धन्यवाद, थैंक यू। अब ले लो सुधीर जी को। हाँ सुधीर राज सर,
सर मैं एक बात बोलूं, पांच मिनट बात रखी है, दो तीन हैंड रेज थे पहले। हेलो सर, एक बार कंसेप्ट क्लियर करा लो थोड़ा, सुधीर जी बोलेंगे उसके बाद ले लेंगे। चलो ठीक, साधु 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 प्रियर सर, प्रियर सर, करमवीर सर, जी कटके साहब। हाँ प्रियर सर, आप संभालो ना, ठीक है। हाँ प्रियर सर, एक साथी अभी हाथ से हैंडरेज कर रहे थे, वो बोले। हाँ बोले बोले बोले। हेलो जी, बोलिए। सर मैं तीरथ बाबू दिल्ली से जी, और वी दी पीपल ऑफ इंडिया के लिए मुझे काफी समय से अवगत कराया जा रहा था मेरे दोस्तों के द्वारा जी, और अभी मैं इस कार्यक्रम को 8 बजे से सुन रहा हूँ सभी वक्ताओं को। मैं जहाँ तक कंक्लूजन निकाला है, सभी बुद्धिजीवी हैं जो वी द पीपल को चला रहे हैं, मैं सबको इस काम के लिए धन्यवाद देता हूँ जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बौद्धिक तत्व भारत रत्न, जिन्होंने हमारे करोड़ों दलितों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो आप जो कार्य कर रहे हैं जोड़ो 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 और जुड़ो, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका, और मैं इस कार्य में आपका सहयोग और समर्थन करता हूँ। और अभी सुधीर साहब जो बोल रहे थे, काफी अच्छा उन्होंने सुझाव दिया है, रखा है, और मैं ज्यादा समझ रहा हूँ सभी बुद्धिजीवी इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो बचे, जब संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। और हमने क्लिप देखी हैं, और उन क्लिपों से ये जाहिर हो रहा है कि सरकार जो चल रही है वो संविधान के खिलाफ है। संविधान में भी बहुत चेंजेज अमेंडमेंट इन्होंने किए हैं, अभी फोटोग्राफ्स उन्होंने लगाए हैं मनुवादी जो समाज के, उसमें पिक्चरें काफी आई हैं। तो समाज संविधान तो खतरे में, पूरा खतरे में, और इन्होंने एक तरह से जंग छेड़ दी है। तो उसके खिलाफ अभी हमारा कोई भी आंदोलन, मैं समझ रहा हूँ अभी शुरू हुआ है ना ही, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस पे कार्य कर रहे हैं। आप और हम जो सामाजिक हैं, जो मिशन के लोग हैं, वो इस पे चिंतन और कार्य करने के लिए अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। और अगर हम ये रणनीतियां नहीं बनाएंगे तो हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वास्तविकता यही है। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक आपके माध्यम से, वी द पीपल के माध्यम से, हमें एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन करना चाहिए जो पूरे देश में मैसेज जाए, पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाए कि संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब के अनुयायी अभी जिंदा हैं। और वी द पीपल ऑफ इंडिया में, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन ऑल कम्युनिटीज, वेदर SC, ST, OBC, सिख, ईसाई, मुसलमान जितने भी हैं वो भी इसके हिस्सा बने। तो मैं समझता हूँ वी पीपल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है प्रीएम्बल में, जो बताया वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो सार्थक होगा। आज जो मैं सुन पा रहा हूँ अभी अपने सभी बुद्धिजीवियों को, बुद्धिजीवी जो है हमारे अपने SC, ST, OBC समाज के ही हैं, तो हमारी भी ये पहल हमें करनी चाहिए। जो हमारा दोस्त है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सरदार है, मुसलमान है, हमें उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वास्तव में ये सार्थक हो सके वी द पीपल। ये संविधान किसी एक SC, ST, OBC के लिए नहीं बाबा साहब ने दिया, ये संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए था, है और रहेगा। और हमको इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, हम सबको साथ लेके चल रहे, लेकिन हमें कोई साथ लेके नहीं चल रहा, ये बड़ी गंभीरता की बात है। जी जी हाँ, ये सर आप पहली बार जुड़े हैं मीटिंग से? जी हाँ, मैं तो पहली बार जुड़ा हूँ। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी जानकारी कम है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है,
और इन्हीं सब चीजों पे हमारा विद पीपल जो है ना, आपका विद पीपल, हमारा विद, ये सब ये कार्य कर रहा है। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दें या अपना नंबर लिखवा दें, और भी जो ज्यादा भी आपको क्वारी है वो हम आपको पहले आपको बता देंगे, फिर धीरे धीरे इस सारे जो हमारा वो है कॉन्सेप्ट उसको बहुत जल्दी समझ जाएंगे। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। ठीक है सर, आप अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है सर, मेरा नाम तीरथ बाबू है, मैं दिल्ली पुलिस में हूँ और प्राइवेट सेक्रेटरी टू एडिशनल कमिश्नर। माय नंबर इज 9968091200। मिस्टर तिलक राज जी हैं दिल्ली से, उन्होंने मैं रिक्वेस्ट पे मैं इसमें जुड़ा हूँ। और वी द पीपल जो हमारा एक जीवन का हिस्सा है और इसमें हमें बढ़ चढ़ के काम करना होगा और एक दूसरे को समझना होगा और समझाना होगा। मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा है। अब हम और भी जुड़ेंगे और वी द पीपल का कॉन्सेप्ट ही यही है, जुड़ो और जोड़ो। और जैसे ही हम जुड़ेंगे ना, हम अपने आप एक ताकत बन जाएंगे, बस यही है। और हमारे सारे काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मारी वेरी मच जी। जो आप बात कर रहे हैं सारी ये इसके ऊपर अप्लीकेबल है और इसमें कम से कम 20-22 राज्य लोग आपके सामने बैठे हैं, विदेशों से अलावा लोग भी जुड़ते हैं। और इसमें महिलाओं की अलग बात है, डॉक्टर अलग है, एडवोकेट्स अलग है, इंजीनियर की अलग मीटिंग है। आज संविधान डे पर संविधान की मीटिंग चल रही है, तो अलग अलग विषय पर चल रही है ये मीटिंग। 4 महीने से लगातार डेली 8 बजे से रात को 2-2.5 बजे तक चल रही है। जी जी, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा स्टेप है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूंगा और आपके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल, जब भी हम चैन बनेंगे और आगे बढ़ेंगे और यही आगे जुड़ने का काम चल रहा है। थैंक यू सर, पूरे डेडिकेटेड होकर आपके साथ काम करेंगे। जय भीम नमो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। ये साथ मानली से है, नाम भी थोड़ा ही ना, नाम से ज्वाइन कर लिया करो। देख रहे थे रेडमी से काफी लोग, इनको डालना नहीं आ रहा प्रियार जी। हाँ डाल लेंगे। हाँ कर लेंगे। इसमें सर अपने नाम पे, सर इसमें नाम पे जा करके अपने नाम को दबाएंगे तो रीनेम आएगा वहाँ पे, कर लेंगे। वो प्रश्न स्टाफ में पता कर लेंगे, आज पहली बार आए हैं। ठीक है सर, कर लेंगे काम, कर लेंगे। किशन जी, मनीषा जी, मनीषा मैन जी, तिलक राज जी, बहुत बढ़िया। प्रियार साहब, जय भीम, वो एक हमारे साथी जुड़े हुए हैं, चीफ एस्टिमेटर खेमचंद जी। आप बुलाओ उनको। नहीं, मनीषा मनीषा जी को काफी देर हो गए। मनीषा जी जी, जय भीम, सभी को नम बुद्धा है सर जी। मनीषा जी जी, मैं मनीषा निगम दिल्ली से हूँ और आज मैं पहले सबसे पहले सबको कल की फिजिकल सेकंड मीटिंग विद द पीपल की सबको बधाई देती हूँ, जो कि बहुत अच्छे सक्सेस रही। काफी संख्या में लोग आए, जैसा हमने सोचा था उसके अनुरूप बहुत बढ़िया रही। और सेकेंडली आज मनीषा जी वीडियो ऑन कर ले तब ज्यादा मजा आएगा। जी मैडम, मैं कह रही हूँ वीडियो ऑन कर लीजिए तब कल की बातें करने में ज्यादा मजा आएगा। चलिए मैडम, आपकी बात मैंने मान ली है। जी, सेकेंडरी बात यह है कि आज संविधान विशेष है और संविधान में हमें बाबा साहब ने बहुत सारे अधिकार दिए, सभी को दिए, महिला को भी और पुरुषों को भी। लेकिन अभी दो सुधीर जी के बोलने से पहले काफी देर तक सबको बुलाया गया था कि आज कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोई भी आए और बोले। जब बोलने का मौका नहीं दिया जाता है तो उस टाइम पर लोग कहते हैं जी हमें तो बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और आज बार बार कहे जा रहे, बुलाए जा रहे, कोई भी महानुभाव बोलने को तैयार नहीं है। तो ये क्या सारी जिम्मेदारी क्या सुधीर जी की है? क्यों नहीं आप सब लोग भी कोशिश करते हैं? जब तक सीखेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? फील्ड में आप जाओगे तो कैसे समझाओगे? तो मैं यही कहना चाहती थी कि इस बार हमें संविधान से बहुत सारे अधिकार मिले। आज के दिन अगर हम सब एक एक अधिकार, हम सब लोग एक दूसरे से यहाँ पर शेयर करते
तो जो हम एक को नहीं पता दूसरे को पता, तो एक दूसरे को उससे हमें पता चल जाता और इस तरह से हमें जानकारी भी बढ़ती। जैसे मैं महिला होने के नाते मैं यहाँ पर महिलाओं को मिले संविधान से बहुत सारे अधिकार हैं, उनमें से मैं एक विशेष अधिकार की बात करना चाहूंगी जो कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव जो महिलाओं को मिले वो बाबा साहब के संविधान की वजह से मिली है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से महिलाओं को 6 महीने का अवकाश भी मिलता है। जो गवर्नमेंट जॉब करती है, जो वर्किंग है, उन्हें बराबर अवकाश भी मिलता है और उन्हें बराबर सैलरी भी मिलती है। तो ये सबसे बड़ी बाबा साहब महिलाओं को बड़ा अधिकार दिया है। वैसे तो बहुत सारे अधिकार दिए हैं, मैं हर संविधान की मीटिंग में मैं एक अधिकार की बात हमेशा करना करूंगी, मैं अपनी तरफ से करना चाहूंगी। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि हर पुरुष अपने जो उन्हें अधिकार मिला है हर मीटिंग में एक अधिकार एक पुरुष बोले तो वो सबको जानकारी उससे मिलेगी और वो संविधान के बारे में जानेगा। तो मैं यही कहना चाहती थी कि महिलाओं को मिले अधिकार, उनमें महिलाओं को जो आज यहाँ जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया वो भी, और जो पुरुष जुड़ा हुआ है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो भी मीटिंग से अपनी महिलाओं को जोड़ें और उन्हें भी ये इस तरह की जानकारी उन्हें प्राप्त होगी कि तुम्हें जो छुट्टियां मिलती हैं 6 महीने की वो किसी की दी हुई भीख नहीं है, बल्कि हमें संविधान से मिला हुआ एक अधिकार है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं और करते रहे हैं। वो महिलाएं भी जानेंगी और बाकी पुरुष भी जानेंगे। और बस मैं इससे आगे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी। वैसे तो बहुत सारे अधिकार बाबा साहब हम महिलाओं को देके गए हैं जिनकी वजह से आज हम जूम मीटिंग में जुड़कर बात कर सकते आज हैं। बेटी, आज बेटी दिवस भी है जी सर, आज बेटी दिवस भी है जी हाँ, आज बिल्कुल यू आर राइट सर जी बिल्कुल आज बेटी दिवस भी है। सभी को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। सब अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, उनको एजुकेटेड करने के लिए पूरा सहयोग दें और वो जितना पढ़ना चाहे उसमें किसी भी तरह का, चाहे एक टाइम रोटी कम खाएं, लेकिन अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड होने उन्हें प्रोत्साहित करें, क्योंकि हर फील्ड में आज की डेट में महिलाएं बेटियां हमारी और महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। उन अधिकारों को मिला जो हमें मिले हैं उनका हमें ऋणी होना चाहिए और बाबा साहब के जो खुले अम्बेडकर विचारधारा उसे घर घर तक पहुंचाने के लिए हमें साथ में मिलकर पिल के साथ खड़े होकर हमें काम करना पड़ेगा और घर घर तक ये बात पहुंचाने के लिए, जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे तो ये हम जरूर कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भी। मैम कुछ गरीब तबके लोग होते हैं, उनका कहना ये होता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ, लेकिन जो लोग दहेज के लिए रहते हैं वो परेशान रहते हैं कि हम जितना पढ़ाते लिखाते हैं हमें लड़का भी उसी क्लास का देना पड़ता है, और जब वो लड़के के लिए पास जाते हैं तो वो 10 लाख रुपए मांगता है 6 लाख रुपए मांगता है, तो समाज में ये चीज कैसे कंट्रोल होगी? इसके लिए क्या विचार है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो व्यक्ति पढ़ा लिखा के आगे जाता है तो वो देखता है कि बड़े बड़े हैवान लोग बैठे हैं जो 10 लाख 5 लाख, हाँ जी आपका बजट कितना है, हाँ जी आप कितनी बेटियां दे सकते हैं, और ये चीजें मैंने उनको उनके अंदर देखी है जो सोशलिस्ट है वो अपनी इच्छा से दे रहा है वो बात अलग है, लेकिन उनका एक रेट है, मार्केट रेट है, वो बुद्ध रीति से या कोर्ट रीति से या किसी विषय पे चलना नहीं चाहते, सारी विषय में चलते हैं, बड़ा दुख होता है। विजय कुमार जी, ऐसे को इज्जत से जोड़ के देखने लगे लोग। विजय कुमार जी जी सर, आपकी बात सुन रहे हैं, बोलिए सर। सुधीर सर बोलिए। भैया एक मुझे ये नियम ये बताओ कि ये नियम किसने बनाया है कि अगर लड़की बीए पास हो जाएगी तो उसे कम से कम एमए पास लड़का चाहिए, वो 10वीं पास से क्यों शादी नहीं करती? बात सही है, लेकिन जो चीज चल रही है चलाई किसने भाई, चलाई किसने? जब आप इच्छा करोगे कि आपकी लड़की एमए पढ़ गई तो आपको डबल एमए और पीएचडी वाला चाहिए, आपको क्लास में चाहिए और आईएएस चाहिए, तो उनकी तो मार्केट में कमी होगी ना, तो भाव तो पड़ेंगे, जो मार्केट में सामान कम होता है उसके भाव बढ़ जाते हैं खरीदो में। सर मैं भी यही बोलने वाली थी कि हमें सर बदलना होगा। सर एक उदाहरण सर मैं बताना चाहूंगा। मेरे भतीजे की शादी एक जगह से तय हुई, मेरा भतीजा ट्रिपल एमए है और एमफिल है। जब शादी की बात हुई तो वहां पे उस लड़की वाली बात होगी, लड़की देखी, उसके बाद में पता आता, लड़की कहती है कि मैं तो शादी नौकरी वाले से करूंगी, लड़की केवल बीए थी वो,
और फिर उसको जब ये पता लगा कि लड़की ये कह रही है कि मैं तो नौकरी वाले से शादी करूंगी, तो फिर उस रिश्ते को हमें पोस्टपोन करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, गलती केवल एक तरफ से है। हम सभी लड़के वाले भी हैं और लड़की वाले भी हैं। जब हम लड़की वाले बन करके जाते हैं तो हमारी मंशा और होती है कि हम ये सोचते हैं कि वो लड़के वाला दहेज ना मांगे, और जब हम लड़के वाले होते हैं तो तब हमारी मंशा और होती है, तब हम ये देखते हैं कि वो लड़की वाला कितना दहेज देगा। उसी प्रकार से जब हमारी एक बेटी होती है तो हम दामाद से ये अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा दामाद है वो हमारी बेटी को खूब लाड़ प्यार से रखे और अपने मम्मी पापाओं की सेवा करे ना करे। और वही बेटी जब अपने घर में आती है अपने बेटे की बहू बन करके, तो हम उस बेटी से ये अपेक्षा करते हैं कि ये हमारी हमारी सेवा करे और हमें ऐसी माने जैसे मम्मी पापा को मानते हैं। और उस बेटी से अपनी से ये अपेक्षा करते हैं कि बेटा जो नौकरी वाला है वो लेकर के अलग रहे उसको, और बस बिल्कुल आराम से रहे दोनों लोग। तो हम कहीं ना कहीं जब अपना पलड़ा जहां जैसा देखते हैं वहां उसको हल्का और भारी कर लेते हैं। तो इसलिए हमको सभी को समझने की जरूरत है। हम लोग सभी बेटी वाले हैं, सभी बेटे वाले हैं। और मैं तो ये इसमें एक राय देना चाहूंगा कि विदा पीपल के माध्यम से एक विवाह समारोह का भी एक आयोजन होना चाहिए, उसमें लड़के और लड़कियां वहां पर हमारा पूरा परिवार एक ऐसा आयोजन हो जिसमें सभी लोग वहां इकट्ठा हो और वहां देखें कि जिसकी बेटी शादी लायक है, जिसका बेटा शादी लायक है, अगर वो बच्चे आपस में वहां हम उनको कम्युनिकेशन करके अगर वो तैयार है तो दोनों परिवार शादी कर सकते हैं। इसमें ना दहेज की समस्या होगी और ना इसमें ये ऐसा होगा कि हमें बुद्धिस्ट परिवार नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो समस्याएं हैं सामाजिक हैं, इस पर भी हमको कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मैं बात करना चाहूंगी, अनिता गवई जी। बोली बोली मैडम। हाँ, एक्चुअली सर ने जो बताया कि क्यों लड़के और लड़कियां मतलब जॉब की मतलब अगर लड़की जॉब पे है तो उसको भी जॉब वाला चाहिए, या फिर लड़का जॉब पे है तो उसको भी लड़की जॉब वाली चाहिए। लेकिन ये जो कंसेप्ट है हमें अभी बदलने की बहुत जरूरत है। और हम हमारा जब काम करते हैं, मैंने पहले भी मेरा परिचय देते बताया कि मैं समतादूत करती हूँ, हमेशा लोग बताती हूँ। तो अगर कोई लड़की अच्छे पोस्ट पे है, जॉब पे है, लेकिन उनको उनके मन जैसा लड़का नहीं मिलता है, तो मैं उनको वही बोलती हूँ कि आप क्यों ना, पढ़ा लिखा लड़का है लेकिन अगर वो जॉब पे नहीं है तो आप शादी क्यों नहीं करना चाहती। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें सीखा है कि जो बताया है कि हमें भी सोसाइटी के लिए कुछ तो भी पे करना चाहिए। अगर एक जॉब पे लड़का नहीं है उससे अगर शादी कराते हैं मतलब करती है एक जॉब वाली लड़की, तो उसको समाज के लिए दान देना चाहिए कि ठीक है भाई मैं तुझसे शादी करती हूँ और तू समाज के लिए काम कर। अगर वो ऐसा करेंगी, अगर हम उससे ऐसा बताए कि नहीं सोसाइटी के पे करना भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है, तो हम चल के मतलब हम जो सोच है वो बदल सकते हैं। ये हमेशा लोगों को बताती हूँ मैं जब मेरा काम करती हूँ, और मुझे आशा है कि लोग सच में एक दिन जरूर बदलेंगे। बिल्कुल सही मैडम। विनय जी अगर इजाजत हो मैं भी आपके कुछ पॉइंट ऐड करता हूँ इसी बात में। जैसे आपने बताया, नहीं सर, नहीं संविधान पे बात हो रही है सर, संविधान पे बात करें, टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाएगा इसमें इतना क्लेरिफिकेशन। ठीक है, बस सर छत्तीसगढ़ से मुकुंद मंसूर रहा हूँ, मुझे अभी जो बात सुना उस पर कुछ विचार रखना है सर। वीडियो है सर, वीडियो ऑन करके बात किया करें प्लीज। संविधान के सर प्लीज, संविधान पे चर्चा करें तो ज्यादा बेस्ट होगा सर। संविधान पे चर्चा करेंगे, आपने बेटी दी उस पर भी बहुत अच्छी बात कही है सर। ये हो गया सर, हो गया सर पे। फिर किसी और रोज जिसका बेटी वाला दिन होगा उस रोज लगाएंगे इसको। नहीं सर, ये आज आपने अभी तो है सर, बेटी की शादी की है सर। हेलो, संविधान पे बात करते हैं सर, हम संविधान पे बात करते हैं। हाँ संविधान, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी आप जी संभालो थोड़ा, और पहले कोई हैंड रेज है या जो नए साथी है वो हैंड रेज करके इंट्रोडक्शन आ रहे जाए कोई साथ साथ। ब्रिजमोहन सर,
कोई नए साथी हैं प्लीज अपना हैंड रेज करें। वो खेमचंद जी हैं, बहुत जुड़ते हैं, उनका परिचय नहीं हुआ है अभी तक। हाँ कराओ कराओ ना उनकी कराओ। पहले पहले सर अभी जो सर जुड़े हुए हैं इनका ले लेते हैं। नए हैं लेकिन उनका परिचय नहीं हुआ है अभी तक, वो 8-10 बार जुड़ चुके हैं। क्या नाम है, नाम बताओ सर। खेमचंद जी हैं, इस समय चंडीगढ़ में है, पोस्टेड CPWD में। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है सर, जाइए आप। खेमचंद जी सुन रहे, मेरी आवाज सुन रहे तो आए प्लीज। देख लेता हूं। और कोई भी साथी है वो बोलते। हेलो, मैं ईश्वर चंद करनाल से। हाँ ईश्वर जी बोले बोले। हाँ मैं ईश्वर चंद करनाल से बोलना चाहता हूँ। जैसा कि बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। जैसा बाबा साहब ने संविधान में सभा में कहा था कि ये संविधान को हमने बनाया लोग अच्छे, तो यह देश दुनिया का सबसे अच्छा संविधान होगा। और अगर इसको लागू करने वाले वो अगर उनकी भावना शुद्ध नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, तो यह संविधान कई जगह से खराब होगा। तो आज वही परिस्थिति हो रही है, जो संविधान को लागू करने वाले हमारे प्रतिनिधि तो सांसद बैठे हुए हैं वहां पर, वो सिर्फ अपनी पार्टी का बन के रह गए हैं। ना उनको कोई समाज से मतलब है, ना संविधान से मतलब है, सिर्फ पार्टी के एक सदस्य बन करके रह गए। अभी इसके साथ ही विद द पीपल मेरा सुझाव या अनुरोध है, अगर आप द पीपल की तरफ से एक कोई हस्ताक्षर वगैरह का ऐसा अभियान चलाया जाए और जो हमारे सांसद हैं उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाने के लिए कोई ऐसा साझा कार्यक्रम प्रस्तुत प्रयास किया जाए, ताकि उन पे कुछ प्रेशर पड़े और वो समझने लगे कि संविधान की बदौलती वो वहां पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा बेटी के बारे में बताता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उदाहरण सब देते हैं, कहते सभी हैं, लेकिन सबको अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए और बेटियों को जितना हो सके उतना पढ़ाओ और कामयाब बनाओ। हो सके तो सर्विस में करो, नहीं तो बिजनेस में करो, जो जिस फील्ड में चल सकता उसमें करो। मेरी 4 बेटियां हैं, 4 में से 3 बेटियां PG+BEd हैं और एक छोटी बेटी BTech है। अब बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढना भी इतना आसान नहीं है। लड़की नौकरी लग जाती है तब भी, नौकरी लगने के बाद भी मेरी बेटी बड़ी बेटी संस्कृत की बाबा साहब की देन से संस्कृत की लेक्चरार है, तब भी शादी के लिए भी उतनी जरूरत है। वो फिर भी दहेज का वो दानव जो है वो उसी तरह से देखते हैं लोग कि क्या देगा क्या देगा क्या देगा। वो इसके लिए भी लोगों को समझाए, इसमें बहुत समय लगेगा। ठीक है सर। जैसा एक भाई साहब ने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि संविधान लड़का का जब होता है रिश्ता तब कुछ और बात है, लेने के लिए कुछ और है और देने के लिए कुछ और मन होता है। इसी के साथ ठीक है ईश्वर जी, थैंक यू। ठीक है जी, कुछ हैंड रेज हो रखे हैं। एक सम्राट ओपी बोध जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो भी आए और अपनी बात रखें। सम्राट ओपी बोध जी। सर मैं बहुत देर से बोल कुछ बोलने के लिए, अभी तक आपने इजाजत नहीं दी। हाँ नहीं नहीं सर, इनके बाद आपका ही नंबर था। ले लीजिए सर पहले उनको। अच्छा चलो ठीक है सर, आप आ जाइए। मुझे बोल रहे सर? हाँ आप आ जाइए, आ जाइए सर। जी मेरा नाम जी। आप सभी बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया।
नमो बुद्धाय, जय भीम सर, जय संविधान। सबसे पहले तो संविधान की अभी मैडम बोल रही थी बात, संविधान की होना चाहिए और बहुत अच्छा कहा उन्होंने संविधान पे। तो मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है, उनमें से एक चीज मैं बोल देता हूँ। आधार कहाँ नसीब होता तुमको, आज तुम पर्दे में होती। बाजार कहाँ नसीब होता तुमको, आज भी तुम पर्दे में होती। क्या इंदिरा प्रधानमंत्री बन पाती या कल्पना चांद पे जा पाती। क्या इंदिरा प्रधानमंत्री बन पाती या कल्पना चांद पे जा पाती। लिखाना होता समानता का अधिकार संविधान में मेरे भीम ने, तो वो पत्नी बनने वाली क्या कभी राष्ट्रपति बन पाती। वो पत्नी बनने वाली क्या कभी राष्ट्रपति बन पाती। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है, जो आज की भारत की महिलाएं किसी कुर्सी पर, किसी केबिन में, किसी जहाज पर, किसी खेल में स्थापित है, वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। इसीलिए सर्वप्रथम भारत की हर महिला को बाबा साहेब अम्बेडकर को पूछना चाहिए, सावित्रीबाई फुले का ध्यान रखना चाहिए। और आज बेटी दिन है तो मैं संविधान पे तो बहुत बोलता हूँ सर, मुझे बोलने का मौका बहुत कम देते हैं लोग, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो नॉन स्टॉप होता हूँ। पर मैं आज नहीं बोलूंगा आपके सामने, सिर्फ एक बेटी पे छोटी सी जो रचना मेरी है मैं वो को सुनना चाहता हूँ। सर एक मिनट आपके पास में, बस एक मिनट बता देता हूँ सर। पिता का विश्वास माता का समर्पण है बेटी, भाई बहन पति का अर्पण है बेटी, और घर में बेटी होती है वो खुशबू का आंगन है बेटी। बचपन से इस लहमे तक जाने कितने दर्द की रूह है बेटी, छोड़कर चमन को अब मेरे उस घर बिखरेगी खुशबू बेटी। चाहतों को उम्मीदों का संस्कार का सोपन है बेटी, संसार के विस्तार का चमन है बेटी। प्रगति के पथ पर उंगलियों से थिरकती वीणा का तार है बेटी, जिसके समर्पण से दुनिया का विस्तार हुआ, जिसके समर्पण से दुनिया का विस्तार हुआ। जन्म से पहले गर्भ में मत मार बेटी, जन्म से पहले गर्भ में मत मार बेटी। इन्हें शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर बहुत अच्छी आपने, धन्यवाद। हमारे बीच में मुकुंद सिंह बंसोत जी हैं, उनका हो गया अभी तो बोले थे। अच्छा अच्छा ठीक है, एंड्रेज ले लो आगे। पहले ओम प्रकाश जी का, ओम प्रकाश जी हैं, सम्राट जी को ले लो पहले आप। हाँ उसके बाद सर गायकवाड़ को लेना आप प्लीज। ठीक है, थैंक यू। सम्राट ओपी बोध जी आए और अपनी बात रखें। सम्राट ओपी बोध जी। जी सर जय भीम, नमो बुद्धाय। आए सर, ये एक निवेदन है और उसे प्रश्न के रूप में लिया जा सकता है, खासकर ये अपने हीर जी से। सर दो आदमी विदा पीपल के काफी फेमस हो रहे हैं, सुधीर राज सिंह और डॉक्टर आर एस स्वामी लखनऊ से। तो समस्याएं हम लोगों के सामने भी हो रही हैं कि काफी दिनों से, जैसा कि काफी लोग इसमें जुड़े हुए लोग जानते हैं कि इतने दिनों हम सबसे जुड़े हुए हैं, और ये जो कौन सा ऐसा विचार है जिसकी वजह से अपने सुधीर जी का मंतक जो आया कि एक प्लेटफॉर्म की संरचना किया उन्होंने, और काफी तेजी से इसका विकास तो हो रहा है, मगर एक प्रश्न आ रहा है कि आखिर ये कौन सा ऐसा वो कॉन्सेप्ट इनके मन में आया जब इन्होंने इस प्लेटफॉर्म की संरचना की, जाते हुए होती है पीपल मीट चल रहा है जहाँ की इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि और भी साथी जो अभी इस मीटिंग में मौजूद हैं काफी लोग, तो उनके सामने भी प्रश्न आता होगा। हम चाहते हैं कि जो भी विद्वान साथी हैं थोड़ा सा क्लियर करें इसको। माननीय सुधीर राज जी, जी
नहीं अभी। आप ये पूछना चाहते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये कैसे बना और क्या बोलते हैं, और क्या पूछना चाहते हैं? आवाज कट रही है आपकी। जी जी ये मतलब सामने आता है जब हम जाती भी लोगों से चर्चा करते हैं कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारा बन रहा है, हमारे समाज का बन रहा है, जहाँ इस तरह की चर्चा होती है। और आपके उस पहली मीटिंग की चर्चा होती है जिसमें बहुत सारे लोग गए भी थे और आपसे काफी वाद विवाद भी हुआ था, तो मुझे जब सामना होता है मैं चर्चा करता हूँ, लोग तो यही पूछते हैं कि आखिर अभी एकाएक सुधीर जी जो है काफी दिनों से और भी कहीं जहां भी रहे से हमसे लेना। देखो बौद्ध साहब है क्या कि समस्या तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है साफ, और समस्या का समाधान भी बिल्कुल क्लियर है, और जो समाधान है या जो ये कंसेप्ट है ये कंसेप्ट बहुत पुराना है, ये बुद्ध से भी पुराना कंसेप्ट है। साके लोग गढ़ में रह रहते थे और जो वज्जी लोग हैं वैशाली के वज्जी वो भी गढ़ में रहते थे, और वैशाली के वज्जी कभी हारे नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं हारे क्योंकि वो सन्निपात बाहुल करते थे, वो लगातार सन्निपात बाहुल को सम्मिलन बोलते थे, और इसी सन्निपात से सन्निचरिया बना, इसी सन्निचरिया से सनिचर बन गया, यानी कि आप सनिचर को सम्मिलन बोल सकते हैं। तो जो सम्मिलन करने का उनका जो तरीका था उसके जो 7 नियम थे वो नियम इतने जबरदस्त थे, अपरिहार्य नियम बोलते हैं उसको, कभी ना हारने वाले। उसमें एक नियम ये था कि जो लोग लगातार बैठते हैं मिलते हैं और एक डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन पे कायम रहते हैं और सारे उसी पे काम करते हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता। ये दुनिया का वो यूनिवर्सल नियम है जो बुद्ध ने बताया, और जिसको तोड़ने के लिए लोगों ने क्या किया, जब लोगों को ये पता चल गया कि जब तक सम्मेलन होते रहेंगे, जब तक ये इकट्ठे होते रहेंगे तब तक नहीं इनको हरा सकते, तो उन्होंने जो सम्मेलन वाला दिन था जिसको सन्निपात बाहुल बोलते थे, जो बाद में उन्होंने बाद में शनिचर बोला, शनिवार बोला, शनिवार से शनिचर कर दिया, शनिचर से वो मनहूस कर दिया हमारे लिए, ताकि ये मिले ही ना आपस में कभी। तो हमने जब मिलना बंद कर दिया तब हम टूटे। तो ये बुद्ध का नियम था दरअसल, और बुद्ध के पहले का नियम था। तो सारा देखा हमने, क्योंकि हमें पहले तो समझ में नहीं आया जो हमारे साथ के जो और भी कुछ लोग थे या हम लोग थे, मगर हमको लगा जैसे बाकी लोग सोचते हैं कि भाई संगठनों को इकट्ठा करना चाहिए, यही हमारे लीडर हैं, तो ये इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी जो मुसीबत है वो टल जाएगी, सारे इकट्ठे होकर आ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे आसान काम था कि भाई काम कोई और करे और हमें सिर्फ करें। तो हमने संगठनों को कहना शुरू किया बार 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 मंच पे, मगर संगठन जो भी आए वो इतने ना समझ के, मैं तो उनको ये मानता हूं कि वो दरअसल बेवकूफ है, उनको ना बुद्धि नहीं है, जो संगठन के लीडर हैं चलाने वाले हैं, मतलब आप उनको शातिर नहीं कह सकते। शातिर जो चालाक आदमी होता है या बुद्धिमान होता है वो तो वो होता है जो अपना काम भी निकाल ले, मतलब सांप भी मर जाए और रस्सी जो लाठी है वो भी ना टूटे, यानी वो संगठनों में जो उनको चंदा वंदा मिलता रहे वो भी वो खाते रहते, और जो संगठनों का काम है हमको बचाते भी रहते, तो उनके दोनों काम चलते रहते अगर वो शातिर होते। वो दरअसल शातिर नहीं है, वो बेवकूफ लोग हैं, उनको ये पता नहीं है कि अगर हम ही मर गए तो संगठन कहाँ जिंदे रहेंगे, जब हमारे पास ही कुछ नहीं बचेगा तो ना देगा कौन, जब हमारी ही नौकरी नहीं रहेगी, जब हमारे पास ना जमीन है ना जायदाद है ना पैसा है ना कपड़ा है ना क्या बोलते हैं कोई दुकान है ना बिजनेस है, तो उन्हें कौन देगा फिर? फिर संगठनों का कोई अपना काम तो है नहीं, संगठनों की कोई अपनी आमदनी तो है नहीं, उनके तो नेता बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार होता है वो नेता बन जाता है, वो कोई पढ़े लिखे बहुत ज्यादा काबिल लोग तो है नहीं। तो वो इतने बुद्धिहीन और इतने बेवकूफ और इतने मूर्ख लोग हैं, मगर क्या है कि जैसे जैसे हमारे जैसे लोग और आपके जैसे लोग उनको समझाते गए, उनको ये महसूस हुआ कि अरे ये खुशामद हमारी कर रहे हैं इसलिए हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमारे बिना इनका काम नहीं हो सकता, और ये हमारी खुशामद कर रहे हैं, तो अब वो चने के झाड़ पे चढ़ गए, और चने के झाड़ पे चढ़ के कहने लगे कि बात तो ठीक है भाई, मिलना है पहले मेरे को नेता बनाओ। ये मेरे को नेता बनाने वाला उनका साइलेंट है, मतलब वो कहते किसी से नहीं है, मगर उनका जो अंतर मन है जो इच्छा है वो सबकी है कि जब वो रात को सोते हैं तो सीएम की शपथ लेके सोते हैं, और सुबह को जो सपना आता है उनका तो पीएम की शपथ के साथ उठते हैं वो डेली।
और पूरे दिन भक्कड़ रहते हैं, पूरे दिन वो भीख मांगते रहते हैं, पूरे दिन वो पैसे मांगते रहते हैं, पर्ची काट काटते रहते हैं, और अकल उनमें नहीं है धेले की भी। क्योंकि कोई जो व्यापारी होगा या कोई अच्छा आदमी होगा तो वो अपने सिस्टम को क्यों मरने देगा, और वो अपने ग्राहकों को क्यों मरने देगा, वो अपने जो आसामी है उनको क्यों मरने देगा। अरे भाई जब हम इधर मर रहे हैं और तुम्हारे ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है तो तुम मूर्ख लोग हो, तुम्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो भाई वो तो मूर्ख है, उनका तो चलो चंदा बंद होगा, मगर हम तो सारे मारे जाएंगे। तो उनकी खुशामत एक लिमिट तक हमने की, और उनकी खुशामत करने के बाद में जैसा ये वी का लोगो है ठीक ऐसा ही एक लोगो किसी ने भेज दिया ऐसे ही, और वो लोगों ने लगा लिया और वो चल गया, और वो चला और लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने अपना एक अधिकार बचा लिया। तो ये तय हो गया उस लोगों से कि भाई नेता की जरूरत तो नहीं है इकट्ठे होने के लिए, खाली एक लोगो भी इकट्ठा कर सकता है। तो ये जो वी का लोगो है ये आपका बेड़ा पार कर देगा, वो भी काले पीले रंग का था, ये भी काले पीले रंग का है। आप इसको लगाते जाओ, आप इसको लगाते जाओ, आप इसको लगाते जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि ये आपको बेड़ा पार कर देगा आपका, ये आपको एक सूत्र में बांध देगा। ये बड़ा चमत्कारी है ये, आप ये समझें, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में जितने ज्यादा ये लगते जाएंगे उतने ज्यादा ये होते जाएंगे। तब हमें ये समझ में आया कि देखो संविधान भी हम हैं और वी द पीपल भी हम हैं, हम ही भारत के लोग हैं और हम ही संगठन हैं और हम ही संघ हैं और हम ही नौकर हैं और हम ही अफसर हैं और हम ही जनता हैं और हम ही प्रजा हैं और नेता भी हम ही हैं। क्योंकि अगर हम नहीं हैं तो नेता वेता भी कुछ नहीं है, तो हम में से जो बनता है हम ही बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम ही हैं। इसलिए ये वी जो रखा है ये इसलिए रखा है कि ताकि हमें हम का एहसास हो जाए और हमें इस बात का पता चल जाए कि भाई अब हमें ये समझ में आ गई है कि हम हैं, अब तुम्हारी हमें आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी हमें हमारी आवश्यकता हो तो तुम भी आ जाओ इधर को, बाकी नेता तुम ही रहोगे। इसलिए ये कहा सबको कि भाई सारे इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे हो जाओ, और हमें पता है कि वो इतनी आसानी से इकट्ठे नहीं होते होंगे, मगर जब इकट्ठे होंगे, जब हम उनके नीचे से खिसक जाएंगे, दो हिस्से हमारे काम करते हैं, पहला हिस्सा हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं और दूसरा हिस्सा आज जो फाइनल बताया है कि भाई दूसरा आसान तरीका भी है कि आप उनका पैसा बंद कर दो। तो एक तरफ इकट्ठे होना है, दूसरी तरफ पैसे इकट्ठे करने हैं। 6 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। 6 महीने के अंदर अगर आपने हर व्यक्ति को ये बता दिया कि अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ इनकी रसद पानी बंद कर दो और इकट्ठे हो जाओ, इनको ये कह दो कि तुम्हारे साथ नहीं है भाई, हम तो अपने जो साधारण लोग इकट्ठे हो गए। मगर फिर भी क्या है, कुछ लोगों को पोस्ट का लालच है, कोई प्रधान बना हुआ है, कोई जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है, कोई सचिव बना हुआ है, किसी का संगठन का मालिक बना हुआ है, किसी के पिताजी संगठन का है, किसी के माताजी का संगठन है, किसी के भाई का संगठन है, कोई कहता मैं 20 साल से लगा हुआ छोड़ नहीं सकता, बड़ा लगाव है। तो जैसे आपातकाल के अंदर जो हमारे लेखक और कवि जो होते हैं, जिनको पद्मश्री और फलाना श्री और ये जो मिलते हैं, जो वो मिलते हैं, जब भी कोई सरकार के अगेंस्ट में कोई बात होती है तो उसको फेंक देते हैं, कहते हैं भाई हमने तुम्हारा जो पद्मश्री है सब वापस भेज दिए, ले जो अर्जुन वर्जुन जो द्रोणाचार्य जो भी पुरस्कार थे सब वापस ले जाते हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे, तुम गलत काम कर रहे हो। वैसे ही जो हमारे सीधे साधे लोग इनके चंगुल में पद लेके बैठे हुए हैं और पद लेके हैं, उनको मैसेज भेज देना चाहिए कि भाई तुम्हारा पद वापस भेज दिया, इसको लो, इसको ओढ़ो, इसको पहनो, इसको बिछाओ, इससे हमारा काम नहीं चल रहा, ये जो तुमने पद बांटे हैं इनसे तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया, तुम ही रखो इनको पद को, तो उसी को दे दो पद जिसने बांटे हैं, हमें नहीं चाहिए भाई, हम तो साधारण आदमी ठीक है और हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें जरूरत भी नहीं है तुम्हारी। बस वो चीजें एक एक करके आती गई आती गई आती गई। ये ठीक वो है जो बुद्ध ने और बुद्ध से पहले सिद्धांत था, वही सिद्धांत है, और इस सिद्धांत में सारी चीजें वही चल रही हैं। जैसे जो पुरानी जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उनमें पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ी है, और जहां लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है वो क्रांति नहीं होती, ना ही वो बदलाव होता, क्योंकि लोग ना बंदरबाट में लग जाते हैं, पैसे में लग जाते हैं। पैसा बहुत बुरी चीज है किसी भी संघ के लिए, इसलिए पैसे से दूर रहना चाहिए। आप पैसा इकट्ठा करोगे तो भी मारे जाओगे, पैसा खर्च करोगे तो भी मारे जाओगे। आप काजल की कोठरी में जाओगे तो आपको कालिख लगेगी लगेगी, ना लगेगी तो उसका प्रचार हो जाएगा, और प्रचार तो ऐसा भी हो जाता है कि कोई पैसा ले या ना दे, खाली हवा में भी हो जाता है। खाली आप यहाँ आज पोर्टल पे ये कह दो कि भाई ये जो 104 लोग 105 लोग बैठे हुए हैं, कल को जब ये सारे के सारे आए तो भाई 10-10 रुपये लेके आना, ये 105 के ना 10 ही रह जाएंगे वहां पे कल तक, ये 95 भाग जाएंगे कल को, कह रहे वहां तो पैसे मांगते हैं उसके सुनने के। तो इसलिए जो आदमी अपना समय देगा, अपना सब कुछ देगा, उससे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर पैसे नहीं होते, पैसे तो बैंक में जमा होते हैं, हमें तो आदमी इकट्ठे करने हैं। आदमी इकट्ठे होंगे तो सरकार से अपना हिस्सा, अपना पैसा वो खुद ले लेंगे, और हमें पैसे की आवश्यकता नहीं। अभी देखो जैसे दिल्ली का क्या बोलते हैं, दिल्ली के जितने साथी हैं उन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया भाई। पहले लिस्ट ये बनाई थी कि 50 के करीब हमारे वो लोग थे जो जूम में तैयार होते हैं, मगर वहां 200 लोग इकट्ठे कर दिए,
मतलब 200 आ गए, और जो 3 हफ्ते बाद कार्यक्रम है उसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि उसमें 400 आदमी मिनिमम होगा, 400 मिनिमम, क्योंकि हर एक आदमी 10 फैमिली लेके आएगा और एक फैमिली में 4 बच्चे तो 4 लोग तो होते ही हैं, तो 40 आदमी एक लेके आएगा, और ये जो 15-20 लोग हैं जो इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आप ये सोचो कि 40 लेके आया हर एक बंदा, तो 15 के साथ 600 आदमी हो जाते हैं, अगर 200 गायब भी हो गए तो भी 400 आदमी आएंगे और अपना खाना लेके आएंगे, अपने वाहन से आएंगे। हमने क्या करना है वहां पे, एक बैनर लगाना है, लगा दिया तो ठीक है, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, वीका लोगों लगा दो, हमारा काम हो सब चल जाता है। तो हमें तो लोग इकट्ठे करने हैं, और ये गारंटी है इसी पैटर्न पे चलते रहे आप जोड़ने और जोड़ने के पे, तो 6 महीने के अंदर ये 200 के 400 एक शहर में होते हैं, 400 के 4000 भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि सबको जुड़ना है। मुझे तो आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा मिला नहीं जो ये कहता हो कि मुझे जुड़ना नहीं है, नेता को छोड़ गए भाई, नेता बड़े बदमाश होते हैं। आज मैंने 2 नेताओं को फोन किया लखनऊ में, मैंने उनसे कहा कि कोई मीटिंग हुई, तो कह रहे हाँ जी मीटिंग हुई। मैंने कहा क्या राजनीतिक मीटिंग हुई, कह रहे नहीं राजनीतिक मीटिंग नहीं हुई, सामाजिक मीटिंग हुई। तो मैंने कहा क्या निर्णय हुआ, कह रहे 15 मुद्दों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना और हम उसी को सपोर्ट करेंगे जो 15 मुद्दों पे मानेगा। मैंने कहा भाई सपोर्ट करोगे क्या मतलब है, तुम तो कह रहे थे राजनीतिक नहीं है। नहीं नहीं हम करेंगे उसी को सपोर्ट करेंगे जो इन 15 मुद्दों को मानेगा। मतलब लोगों को ये पता नहीं है कि वो सामाजिक बात कर रहे हैं या राजनीतिक कर रहे हैं। तो हालत ये है कि हर आदमी यहाँ ना क्या बोलते हैं उसके दिमाग में एक चीज भरी हुई है कि सारे तालों की चाबी ना वो ये राजनीति है। भाई सारे तालों की चाबी राजनीति नहीं है, एक ताले की चाबी राजनीति हो सकती है, मगर सारे तालों की जो राजनीति है वो तो इकट्ठा होनी है। हम इधर इकट्ठे होंगे, नेता उधर इकट्ठे होंगे, फिर आपस में इकट्ठे होंगे, बात बन जाएगी। कहाँ गए क्या बोलते हैं बौद्ध साहब, ओपी बौद्ध साहब सुन रहे हैं, ओपी बौद्ध साहब जी सर जुड़े हुए सर। हाँ नहीं पूछ लूंगे वो उनका क्या बोलते हैं बात उनकी जी बहुत साहब बीच में हो रहा था आउट हो रहा था उनका। चलो कोई बात नहीं, बस इतनी बात थी। और आगे भी तो सभी के ऊपर लागू होती है। हाँ आगे भी जो स्टेप उठेंगे वो अपने आप उठेंगे, हम कोई स्टेप नहीं उठा रहे। दरअसल आगे जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी वो अपने आप होती जा रही है। जैसे ये पराठे वाला जो सिस्टम था ये पुराना सिस्टम है कि संघ जो अपना खाना है वो मांग के खाता था और संघ में पैसे खर्च नहीं होते थे ना वो पैसे मांगते थे। तो वो खाना लेके घर पे जाते थे, आटा मांग लिया, खाना मांग लिया और इतना ही लेते थे जितना खाना है। अब ये सारे जितने भी दिल्ली के लोग हैं उन्होंने पराठे मांगे तो कई लोगों को तो बड़ा अजीब सा लगा, अरे पराठे हम तो सब्जी भी ले आते ये भी ले आते। अरे भाई पराठे मांगे पराठे लाओ, जब सब्जी हो तो घर आके सब्जी खिला देना, क्या दिक्कत है। तो संघ में तो मिनिमम खाना खाना होता है, तो वो हिट रहा जो वहां सबने बहुत प्यार से पराठे खाए और सबके पराठे मिक्स हो गए और सारे खिलाने वाले भी बड़े खुश थे और खाने वाले भी खुश थे, परिवार जैसा वहां पे माहौल बन गया और पैसे भी खर्च नहीं हुए, सारे पैसे बच गए हमारे। तो ये आपके एम, आप विद द पीपल के एम में था नहीं, एम इन ऑब्जेक्ट में था नहीं पराठे, ये कहां से आगे पराठे ये सर विद द पीपल जो विनय पीटक उठा रखा ना उसमें है, ये क्या बोलते हैं विनय पीटक में है उसमें अभी और भी संविधान संशोधन होता रहता जी। नहीं के साथ संसद अभी संधारण पूरा लागू नहीं हुआ ना अभी, तो जैसे आज आज बताया था कि भिक्षु 70 दंड भी रखते हैं, अब हमारा अंबेडकर 70 दंड आ गया निकल के बाहर। तो अभी लागू का जैसे जैसे लागू होगा परिणाम वैसे वैसे आते रहेंगे, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आता रहेगा। अभी तो संविधान लागू होगा आप व्यवस्था बनाओगे, ये इनोवेशन था सर। जैसे 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 लोग होंगे इम्प्लीमेंटेशन दूसरी तरीके से होते रहेंगे। देखो नवाचार होता रहना चाहिए। एक कमाल की बात आपको बताऊं, दिल्ली की मीटिंग में बहुत सारे पत्रकार आए मगर हमारा कोई भी आदमी पत्रकार की तरफ भागा नहीं और ना ही पत्रकारों की तरफ, पत्रकार ही भागे हमारे आदमियों के पीछे कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बताओ फलाना, हमारे बिल्कुल शांत बैठे रहे सब, कह भाड़ में गए पत्रकार, हमें अपना शोबाजी नहीं करनी है, हमें अपना काम। कांग्रेचुलेशन सर दिल्ली वालों के लिए इस कार्यक्रम के लिए, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। ये तो ब्रिज भवन जी देखो इसमें इसमें आर के फौजी की और क्या बोलते ब्रिज मोहन जी की, मनीषा बहन जी की, गुलाब सिंह जी की, ओम प्रकाश जी की और तिलक राज जी की और वो अपने क्या नाम है उनका ब्रिज मोहन जी और नेम सिंह जी, नेम सिंह जी और ये जितने भी लोग थे इन्होंने चमत्कार किया। ये सब साधारण लोग हैं जो क्या बोलते हैं 200 दिल्ली में, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको, आपको कितनी भी बड़ी पार्टी का आदमी हो दिल्ली में 200 आदमी इकट्ठे कर 200 आदमी इकट्ठे होते हैं या बड़े बड़े प्रदर्शनों में इकट्ठे होते हैं, पैसे के लोग आते हैं या पैसे किराए के लोग आते हैं या बाहर से आते हैं आदमी ढोके,
दिल्ली तो इतनी निकम्मी है इस मामले में कि यहाँ तो आदमी आता ही नहीं, वैसे तो 1 करोड़ से ऊपर है यहाँ, 200 आदमी आते भाई। दिल्ली वाले नाराज हो जाएंगे वैसे। तो क्या मैंने सही कह रहे हैं ये तो साहब काशीराज के लिए तो साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। दिल्ली में कम मीटिंग में हमें बताओ चमत्कार करेंगे। ये बात सर, ये बात दिल्ली वालों पे लागू नहीं होती, ये पड़ोलखों पे लागू होती है, वहाँ ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं इसलिए बोल रहे। कलकत्ता में पढ़े लिखे नहीं होते क्या सर? ऐसी कोई बात नहीं है, सभी जगह पढ़े लिखो पे ज्यादा लागू होती है, चाहे कहीं भी हो। चलो ठीक है, हमारे सर एक मिनट सतवाजी, दिल्ली वाले ना, दिल्ली वाले ऐसे लोग हैं कि आप अगर 400 आदमियों को बात करोगे ना तो यूं कहेंगे भाई साहब हम अपने रिश्तेदार को दोस्तों को ले आए, तो आप खुश हो जाओगे कि हाँ भाई एक को फोन किया, 2 आ रहे हैं, और आप वहां गिनते रहना वहां पे 4 आदमी ना पहुंचे वहां। क्या हालत है यहाँ? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, दिल्ली वालों के लिए सर ऐसी बात नहीं है जो कह रहे हैं सुधीर राज जी। अच्छा सुनो, आप मीटिंग तो करो सर, चमत्कार होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब सुनो, आप सुनो मेरी बात सुनो, 17 तारीख को क्या बोलते बुद्धा जयंती पार्क में परिवार मिलन समारोह है विद द पीपल का जी। अब आप ये बताओ कि कितनी फैमिली के साथ पहुंच रहे हो वहाँ? 17 तारीख को 17 अक्टूबर डिक्लेयर होगी ये, इसमें देख लेना। हर साल दशहरे के बाद जो संडे आएगा उसमें हम अपना परिवार मिलन समारोह करेंगे बुद्धा जयंती पार्क में दिल्ली में। अब बुद्धा जयंती पार्क में फरवरी में होता है परिवार मिलन, फरवरी में तो होता है, फरवरी में तो बहुत धोखा होता है, ये विद द पीपल में बहुत सब आएंगे, हम उसमें कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं, नहीं, आपने भी रखा है तो आपके उसमें भी कार्यक्रम? नहीं, हमने नहीं रखा, हमने रखा विदा पीपल ने रखा है। देखो इसमें ना बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आप ये बताओ कितने भैया वो क्या बोलते हैं ब्रजमोहन जी, इनका नाम लिस्ट में डाल देना, ये अपने आप जोड़ डाल दिया, डाल दिया, कल बात करूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो यथाशक्ति जो हमारे पास है, जो बुद्धिजीवी साथी हमारे साथ हैं, जो मिशन का काम करते हैं, वो अवश्य पहुंचेंगे आपके कार्यक्रम में। हमारा कार्यक्रम पता ना वी द पीपल हमारा नहीं है, वी द पीपल कार्यक्रम है सर, वी द पीपल ही हमारा कार्यक्रम है ना, जब हम सब जुड़े हुए हैं इसमें, अपनी हिस्सेदारी साझेदारी निभाएंगे तो हमारा प्रोग्राम हो गया, वी द पीपल ही हो गया। लिस्ट बना ली गई है, वो मैं इनका भी नाम मतलब इनके नाम ले लूंगा मैं। ठीक है, अच्छी तरह परिचित है जी, अब हम भी परिचित हो जाएंगे। तुलीराम जी भी 10 फैमिली लेके आएंगे इस बार। सुधीर राज जी से तो हम प्रभावित हैं, हम इनके वीडियो सुनते रहते हैं, और इन्होंने अम्बेडकर उनके बारे में जो अपनी अच्छा विस्तार से बताया, लोगों को समझ आया वास्तविकता क्या है, तो हर आदमी नहीं बयान कर पाता सच्चाई को, तो उसके लिए भी मैं सुधीर राज सिंह जी को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये जो कमियां हैं समाज में, इन कमियों को दूर करेंगे तभी मजबूत होंगे। तीरथ बाबू सर जी, जी तीरथ सर के जी मैडम इंट्रोडक्शन करवा। मैडम जी तो हमारे थोड़े इल हेल्थ है, शी इज स्लीपिंग नाउ, वो थोड़ी बीमार चल रही है, मैडम कोई बात नहीं है, हमारी मुलाकात होगी तभी तो हम बात कर सकेंगे। आप तो पीछे पड़ जाते हो, कल करवा देंगे, नेक्स्ट टाइम मैडम मीटिंग करेंगे, डोंट वरी, कल चलो चलो सर आगे लेके चलते हैं इसको। जी कैरी प्लीज, थैंक यू। हमारे बीच में राजेंद्र गायकवाड़ जी हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट है, मैं उनसे बोल गए दोबारा हैंड रेज की आवाज, सर हैंड रेज की आवाज सर, उन्होंने लेफ्ट हो गए सर लग रहा है, हाँ लेफ्ट और हो गए उनका, एन के खेवड़िया, आर के बोध, और ये राजल लोकेश पोरवाल जी हैं, लोकेश पोरवाल जी उनका हो गया, आरएल सिंह जी, आरएल सिंह मसरानी हैंड रेज किए हुए हैं इन्होंने, हाँ हाँ ये है, ये अपनी बेटी पे बोलेंगे, ये काफी पुराने साथी हैं, बोलेंगे सब शायद। और जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं कृपया करके वो हैंड रेज कर दें, केवड़िया और आर के बोध हैं, इनके हैंड रेज हैं।
बोले आर के बहुजी, आप बोले आर के बहुजी बोले। सभी को जय भीम नमो बुद्धा। कल जो प्रोग्राम हुआ उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं, सभी को साधुवाद। मैं दिल्ली से हूँ, इसमें मंजू बाला मैडम दिल्ली से जुड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ उनको भी इंट्रोडक्शन के लिए बुला लिया जाए। मंजू बाला जी को आप बुलाएं सर, आरके बाला जी अगर आप, मंजू बाला जी अगर आप बात सुनी है तो आप अपना परिचय दीजिए। जुड़े हुए तो है वो, आगे आगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मंजू बाला सी प्रोडी में काम करती हूँ दिल्ली में, और मोती बाग में रहते हैं, और मैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी। बहुत अच्छी, अपना नाम और मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में छोड़ देना मैडम। छोड़ दिया वो तो, नंबर बता दीजिए एक बार। तीरज जी 7114-8281 डाल रखा इन्होंने चैट बॉक्स में। ठीक है, एक मिनट जरा। रविकांत जी, रविकांत अम्बेडकर जी हैं क्या लाइन पे? रविकांत नाम से जुड़े। रविकांत जी जरा अपना वो खोलिए, क्या बोलते हैं, माइक वीडियो खोलिए। रविकांत अम्बेडकर जी खोले रहे, आपके दिल्ली पुलिस में ही है क्या बोलते हैं? तीरथ बाबू जी कई दिन से जुड़ रहे हैं मगर बोलते नहीं। हाँ जुड़े हुए हैं, हाँ दिल्ली पुलिस में ही है। इन्होंने एक कार्यक्रम लगाया था लोगों को इकट्ठा करने का करीब 5 साल पहले, फिर उसके बाद मुलाकात नहीं हुई इनसे। अच्छे व्यक्ति हैं। चलिए आगे बढ़िए आगे। सतप्रकाश जी लीजिए आप, आगे ले लो। एनके खेवड़िया जी सुन रहे हैं तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे। इंट्रोडक्शन है तो पुराने ही वैसे मेरी। जी सर धन्यवाद। मैं एनके खेवड़िया दिल्ली से, बैंक से रिटायर्ड हूँ, और विदा कॉन्सेप्ट के पीपल से जो है काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, और इसकी जो भावनाएं हैं उसको बहुत अच्छे से मैं जान समझ रहा हूँ, और मैं पूरे मन से जो है विदा पीपल के साथ हूँ, क्योंकि ये हमारे ही लोगों का संगठन है, हमारे ही लोगों का संघ है विदा पीपल। हम सब जो है विदा पीपल के साथ जुड़े हुए हैं। आज क्योंकि संविधान दिवस है तो इसके मौके पे मैं अपने सभी साथियों को जो है संविधान दिवस की बधाई देना चाहता हूँ, और संविधान दिवस के मौके पे मैं एक दो बातें हैं छोटी छोटी जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान जब से लागू हुआ है देश में तब से हमें ये मान के चलना चाहिए कि पुरानी जो मान्यताएं हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं। तो इसमें कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा, एक या दो भी बातें हैं। एक तो जैसे हमारे लोग अक्सर अपनी बातचीत में इस बात का जिक्र करते हैं कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट, अपर कास्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है हमें नहीं करना चाहिए अब, क्योंकि संविधान जब से लागू हुआ है तो सबसे समानता का अधिकार है देश में, कोई ऊपर या कोई जो है अपर कास्ट नहीं है, लोअर कास्ट नहीं है।